असलकुम असद एंड एंडिशान भाई जो आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जीशान भाई मैं चाहूँगा कि आप ख़ुद थोड़ा सा अपना तारफ करवा दें मेरा नाम तो आपने जान लिया आई एम इन टू सिंस टू थाउजेंड सेवन एंड आई हैव टॉट एट डिफरेंट स्कूल इन लाहौर बेसिकली ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स करेंटली आई ओनली टीच ए लेवल्स आई एम टीचिंग आई हैव टॉट एट डिफरेंट टॉप ब्रांड स्कूल ऑफ लाहौर Like LGS, um, branches, different branches of LGS. Mm -hmm. Currently, I'm teaching at International School Lahore on both the campuses. Uh, I teach physics. Uske Saath, uh, I am a neuro linguistic programming coach, and uh, right now I'm pursuing my master training course. I will become a master trainer ultimately. Mm -hmm. And uh, Uske Saat Choti Moti. कुछ आंटरप्रनोरशिप जर्नी भी है जिसमें डिफरेंट चीज़ें ट्राई की है और सीखा है और यू नो सो फार अभी तक यही सो सो फार सो गुड आप जी साहब आपको बुलाने का जो मकसद था दैट वाज टू डिस्कस जो आजकल पाकिस्तान की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो कुछ चैलेंजेस कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं क्योंकि आप बड़े अरसे से इस इंडस्ट्री में हैं आपने बड़ी क्लोजली देखा है एक स्कूल जो है वो जिस तरह पहले असद ने भी कहा आपके हाथों में बना है Um, जो इंटरनेशनल स्कूल है लाहौर में तो उसको भी डिस्कस करते हैं uh, पहले बट थोड़ा सा ना मैं आपको इस्टेबलिश करना चाह रहा हूँ बिकॉज आपने कहा न्यूरो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यस yes. और And पहले भी फॉर्ड कहा शुरू होने से पहले मैंने आपको कहा कि जब आपने ये कहा तो आई थाट ये कोई कंप्यूटर साइंस रिलेटेड चीज़ है कोई ए आई रिलेटेड चीज़ है बट इस तरह नहीं है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बेसिकली दर्ड इज फॉर ब्रेन लिंग्विस्टिक्स इज़ द लैंग्वेज यू स्पीक And programming is and this language we speak is basically from a program running in our mind. तो हमारा दिमाग basically अगर मैं इसको बहुत simple words में define करने की कोशिश करूँ कि ये एक computer की तरह है जिसके अंदर एक software install हो जाता है और वो software जब install हो जाता है तो हमारे मुँह से निकलने वाले अल्फाज हमारी body से निकलने वाले actions, हमारे belief systems उससे इसके साथ link हो जाते हैं hmm. अच्छा एक है कि सब कॉन्शियस से हम लाइफ जी रहे हैं और वो डिसाइड कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पे शायद आपने सुना हो कि जी जीरो टू सेवन इयर्स ओल्ड पे सब कॉन्शियस डिवेल्प हो जाता है कुछ लोग कहते हैं जी जीरो टू नाइन पे हो जाता है दोनों बातें डिफरेंट रिसर्च में सामने आती हैं बट एन का एक पार्ट यह कि अगर आप अपनी लैंग्वेज बदल जाए दें तो आपके बिलीव्स बदलना शुरू हो जाएंगे एक है कि बिलीफ बदलने तो लैंग्वेज और एक्शन बदलेगा एक है कि आप पहले ही अपनी लैंग्वेज बदलना शुरू कर दें अपना एक्शंस बदलना शुरू कर दें तो और उसके अंदर फिर फिजियोलॉजी और बहुत कुछ आ जाता है तो आपका यू नो द वर्ल्ड अराउंड यू एंड योर लाइफ चेंजेस यानी अगर आप सिर्फ नेगेटिव बातें करते रहेंगे बोलते ही आप नेगेटिविटी के बारे में हैं मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में है इस तरह की सारी चीज़ों के बारे में तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपका बिलीफ भी उतना ही उस बारे में स्ट्रोंग होता जाता है आपका सबकॉन्शियस भी वैसे ही डेवलप होता जाता है hmm. तो अब अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली चेंज करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका यह कि आप पहले अपने अल्फाज बदल लें आप एक चीज़ को ये कहना बंद कर दें कि मेरी जनरली आपने सुना होगा लोग कहेंगे जी ज़िंदगी है ही मुश्किल अब आप ये जब रेपिटेटिवली अपनी ज़िंदगी में बोलते हैं तो ये कह तो आप एक बात रहे होते हैं लेकिन हम इसको एन के अंदर एक एफरमेशन कहते हैं बिकॉज सबसे पहले मेरे अल्फाज की आवाज़ मेरे कानों तक जा रही है मेरा मुंह मेरे कानों के सबसे करीब है मेरी आवाज़ की सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे पे है ये मेरे ब्रेन को मेरी बिलीफ सिस्टम्स को शेप कर रहा है तो लिंग्विस्टिक्स बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग का तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग उस... आपने जो बात की हुँ. वो उससे मुझे आज जितने भी बड़े यानी कि आप सी देखते हैं यू में और ये बड़े टेक मोगल्स देखते हैं वो सारी एक बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की कि आप जो चीज़ सोचेंगे जो कहेंगे वो उसी तरह होगा और अंग्रेजी की कहावत है फेक इट टल यू मेक इट कि आप पहले ही वो एक्शंस करना शुरू कर दें अगर आप किसी मकाम पे पहुंचना चाहते हैं या आप पैसे कमाना चाहते हैं यू स्टार्ट बिलीविंग इट या यू स्टार्ट एक्टिंग इट आउट और आसता आस्ता वो चीज़ हो जाती है अच्छा ये इव... अच्छा इसमें सिर्फ एन नहीं है मैंने असल में मैं पहले जब सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी पर था तो एक है कि आप सक्सेस कोचिंग लेते हैं क्या जी अपने गोल्स कैसे अचीव करने हैं फिर आप आते हैं कि अच्छा फिर आपको वहाँ पर ब्लॉकेट्स नज़र आते हैं तो आप डीप रिसर्च में जाते हैं तो आपको कुछ लॉज पता चलते हैं जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है लॉ ऑफ वाइब्रेशन है लॉ ऑफ एक्शन है एंड सो ऑन जब आप उसके अंदर जाते हैं फिर आपको कुछ मसाइल नज़र आते हैं मतलब मेरी ये जर्नी है कि अच्छा जब आप उसको कॉन्टम्पलेट करते हैं और क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो आप कहते हैं यार इसमें कहीं कमी है ठीक हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कहेगा कि यू गेट वॉट यू आर नॉट वॉट यू वॉन्ट अभी बात है बड़ी पावरफुल और ट्रू है आप मैं फ़िज़िक्स भी पढ़ाता हूँ तो आई कैन लिंक क्वांटम फिज़िक्स टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू इस्लाम टू एन एल पी एंड वैन यू कनेक्ट इट ऑल टुगेदर आपकी पज़ल सॉल्व हो जाती है कि वो एग्जैक्टली exactly आपने करना क्या है एटलीस्ट आपको क्लियर क्लैरिटी आ जाती है कि आपने करना क्या है बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं पूछते हैं कि जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है बिल्कुल हंड्रेड परसेंट करता है मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आप अच्छे इंसान हैं बुरे इंसान हैं गरीब हैं अमीर हैं अपाहज हैं नहीं हैं जो मर्ज़ी है ग्रेविटी का लॉ आप पे काम करेगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज हम क्या हैं हम बने हुए हैं पानी से और बाकी मैटर से और ये एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं एक जापनीज साइंटिस्ट हैं उन्होंने है कि आप पानी के ऊपर बुरे अल्फाज बोलें और अच्छे अल्फाज बोलें तो जब आप उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में लाएंगे तो जिस पर बुरे अल्फाज बोलें उसके क्रिस्टल्स डिस्टॉर्टेड होंगे जिस जिसपे अच्छे अल्फाज बोले हैं उसकी क्रिस्टल्स बेहतर होंगे फिर फर्दर रिसर्च ये शो करती है कि सिर्फ आपकी फ्रीकवेंसी या वाइब से अगला कैच करता है फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा टेस्ट है लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजेंट वर्क मैं आपको स्माइल करके देखूंगा तो अल्टीमेटली आप स्माइल कर लेंगे सो इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड इट्स अबाउट व्हाट यू आर पुटिंग आउट यू आर गोइंग टू एग्जैक्टली गेट व्हाट यू आर पुटिंग आउट अगर मैं किसी को गुस्से से देखूंगा इरिटेटेड होकर बात करूंगा मेरी फिजियोलॉजी मेरे फेशियल एक्सप्रेशन ही ऐसे होंगे तो ऑबियसली अगला मेरे से कोई गले लगा के नहीं मुझे मिलेगा रिपेल ही होगा रिपेल हो तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छी चीज़ें और अच्छी लाइफ और अच्छे लोग अच्छे रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी में आएँ तो उसके लिए पहले आपको अपनी इंटरनल बींग को बदलना पड़ेगा बींग अ नेगेटिव पर्सन यू जस्ट कैन नॉट प्रोजेक्ट अ पॉजिटिव फ्रीकुन्सी मैं बहुत ज़्यादा ही बात करता हूँ हम अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ी है उसका एक कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का सेम फ्रीक्वेंसी सिर्फ सेम फ्रीक्वेंसीज के साथ मैच कर सकती है ये नहीं हो सकता कि सिक्स थाउजेंड मेगा की फ्रीक्वेंसी थाउजेंड मेगा से मीट करे नहीं करेगी रेजोनेंस ये कहती है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से मीट करती है तो एम्पलीट्यूड में एक बहुत ज्यादा इंक्रीज आ जाता है इसी तरह जब अब आप देखेंगे कि जिस तरह का इंसान होता है अक्सर उसके दोस्त भी वैसे होंगे नेगेटिव लोग नेगेटिव लोगों में बैठ के प्रॉब्लम डिस्कस करना बहुत उनको अच्छा लगेगा राइट क्यों है क्योंकि वो लोग सारे एक फ्रीक्वेंसी पे हैं और वो ऐसे लोग आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक्ट कर भी लेंगे लोग जब स्ट्रेस में आते हैं तो उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस रुकता नहीं है क्योंकि वो स्ट्रेस में आ गए स्ट्रेस की वजह से वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे आ गए अब वो मज़ीद ऐसे इंसिडेंट्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाते हैं एक तो वो बातें ऐसी कर रही होती हैं फिर वो बिलीफ भी यही रखते हैं और फिर उनका बिलीफ अफर्म हो जाता है कि देखा हमने तो कहा था कि बुरा ही होगा राइट हालांकि वो उससे पहले वही फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्ट करते हैं उसी किस्म की बातें करते हैं उन्हीं उन्हींट्स पर रहते हैं अब थाट एक एनर्जी है मैं आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स रखूंगा कल को मैं आपके बारे में कहीं ना कहीं नेगेटिव बात कर दूंगा और वो दोनों चीज़ें मिल के क्या करेंगी आपको अल्टीमेटली मुझसे रिपेल कर देंगी इस्लाम पे आ जाते हैं इस्लाम ने किसी वजह से गीबत से रोका है गीबत क्या है आप किसी के पीछे बैठ के उसके बारे में बातें कर रहे हैं आपकी जब तक थाट थी अल्लाह आपको इस पर नहीं पकड़ेगा राइट जैसे ही आपने उसको अपनी जबान से निकाल दिया इखलाक बार बार इखलाक की बात क्यों की जा रही है क्योंकि अगर आपके इखलाक अच्छे हैं आप हर किस्म की अच्छाई को अट्रैक्ट करेंगे right. Even खुदा दियत का जो है वो इंटेंशन फिर इससे लिंक होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है एनएलपी में भी इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये इन सब को आप समझ लें एक जर्नी है मेरी जो मैंने इन सब चीज़ों को कंबाइन करके एक लाइट बल्ब मोमेंट आता है कि ओह वो वहाँ पे जो मुझे समझ नहीं आई थी ओ वहाँ एंड एक लास्ट बात ये है निल की इट्स वन ऑफ द क्विकेस्ट वे टू हील पीपल आई हैव नॉट फाउंड अ बेटर एंड अ क्विक वे टू हील पीपल फ्राम डिफरेंट नेगेटिव इमोशंस ट्रामा इंग्जाइटी फोबियाज ऑल ऑफ दैट राइट एंड इसकी कोई सर्टिफिकेशन भी आपने मेंशन yes, की थी यस इट्स सर्टिफाइड आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम अमेरिकन बोर्ड ऑफ एनएलपी एक पूरी एसोसिएशन है अमेरिका uh, में आप उससे रजिस्टर्ड होते हैं फिर ही आप ये कर सकते हैं ओके। लाइक इससे एक जो चीज़ क्लियरली सामने आती है पाकिस्तान के अंदर पिछले दो तीन चार साल से एक इंतहाई मुश्किल पोलिटिकल क्लाइमेट है और अगर आप कोई भी न्यूज़ फोरम कंज्यूम कर रहे हो तो वह कंटिन्यूसली निगेटिवली नेगेटिवली आउट कर रहा होता है ओवरऑल एक मायूसी तारी हुई हुई है सारे माशरे के ऊपर कुछ लोग इमरान खान के अंदर जाने पे दुखी हैं कुछ लोग नवाज़ शरीफ के मुल्क से बाहर होने पे दुखी हैं कुछ लोग बिलावल की राइज़ ऑफ पावर देख के दुखी हैं ओवरऑल एक महसूस होता है कि हिपनोस हुआ है सारी कॉम पे कि दुनिया के सारे काम छोड़ के वो फोकस कर रहे हैं सिर्फ कंजम्पशन ऑफ नेगेटिव थाट्स के ऊपर अब ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा आपको नज़र आती होगी स्कूल्स के अंदर जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हो अदर देन लेट्स से किसी की एकेडमिक्स में कोई कमी कोताई है कोई सब्जेक्ट उसके इंटरेस्ट का नहीं है नंबर वन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को स्पेशली प्राइवेट स्टूल स्टूडेंट्स को कि तो आपका तजर्बा वहाँ पर क्या फेस हो रहा होता है अपनी डे टू डे लाइफ में डे टू डे अफेयर्स में जो उनको रोक रहा होता है ग्रो करने से सर ये बहुत बहुत वैलिड और बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड दिस इज़ समथिंग वी रियली नीड टू एड्रेस अच्छा अब अगर बिकॉज वी आर सिटिंग पॉडकास्ट एंड आई थिंक वी हैव लिटल टाइम तो मैं इसकी जड़ से इसको उठाना हाँ आराम से बच्चा जब और ये मैंने जैसे कहा कि बच्चा प्रोग्राम हो रहा होता है जीरो टू सेवन या जीरो टू नाइन उसकी एनवायरनमेंट ये इस वक्त बच्चा होता है थीटा वेव्स में ये सिर्फ अब्जॉर्बशन वेव्स होती है। अगर आप इस्लाम को मैं हर साइंटिफिकली क्वांटम हर चीज़ से

एक कर रहे होते आ, होते हैं हैं इज़ न्यू फॉर यू बच्चे बड़े एक्साइटेड आज हम जिन चीजों के बारे में बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है बच्चों के लिए वो नहीं है लेकिन गै? इसमें की अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको पता नहीं होता ये हो रहा होता है हाँ, इस, इस तरह नहीं है कि आप किताब पढ़ रहे एग्जाम की तैयारी के लिए कॉन्शियसली कुछ हाँ, ये 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 बच्चे का इसमें बच्चे के सामने कोई भी जबान बोलो और इमीजियटली आप गाली बच्चे के आगे दें दो चार दफा सुनेगा वो उसको रिपीट कर देगा राइट right? इसी तरह अगर आप देखें अल्लाह ने क्या कहा बच्चे को सात साल तक गले से लगा के रखो सिर्फ़ उसको क्या दो प्यार दो कहीं नहीं कहा उसको डिसिप्लिन करो कहीं नहीं है ये सिर्फ मोहब्बत दो और माँ और बाप उसको गले से लगा के रखें और यहाँ तक आता है कि ज़ीरो टू सेवन में वो आपका आका है और आप उसके ग़ुलाम हैं अब अगर आप इसमें उनको डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो तो उनकी इतनी सेंस ही डेवलप नहीं हुई हुई ठीक है अच्छा एक और बात इसमें ऐड करता हूँ कि जब एक कमाल की मैंने बात सुनी एंड दैट लेफ्ट मी थिंकिंग फॉर मेनी डेज और इट हैड ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी वो जब आप बच्चे को बैश करते हैं ना छोटे से बच्चे को वो आपको प्यार करना बंद नहीं करता वो अपने आप को प्यार करना बंद करता था दैट्स द फर्स्ट टाइम यू मेक दैट किड स्टॉप लविंग हिम और हर सेल्फ राइट right? आप उसको नेगेटिविटी और नेगेटिव इन्वामेंट दे रहे हैं हमारे घरों के अंदर माहौल है जहाँ पे पॉलिटिक्स है जहाँ पे माँ बाप लड़ रहे हैं माँ बाप का अच्छा रिलेशनशिप नहीं है ठीक है जी ऊंची आवाज़ों में बात हो रही है बच्चा बहुत सहम जाता है फिर बच्चा क्लोज हो जाता है तो पहला इम्पैक्ट बच्चे पर नेगेटिवली वहाँ जाता है इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि आप अगर अक्सर बच्चों छोटे बच्चों से बात करें जिनके घर में कोई इशू है माँ बाप की डिवोर्स चल रही है तो अक्सर अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं कि मैंने ग्रेड्स नहीं अच्छे लिए इसलिए हो रहा है या मैंने पढ़ाई नहीं सही तरह की तो ये इसलिए डेट टाइम्स माँ बाप ये कहते हैं अगला पॉइंट ये था वालदा अगर ये कहेंगी कि मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो गई जब से तुम लोग हो या तुम्हें पाल रही हूँ इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है जब आप बच्चे को हर अपनी मुश्किल का इल्ज़ाम देते हैं तो मैं इसके ऊपर एक बड़ी लोगों को बड़ी सख्त बात लगती है बट मैं कर देता हूँ कि बच्चे ने एप्लीकेशन नहीं दी थी कि मुझे दुनिया में लेके आए इट वॉज नॉट अ चाइल्ड्स डिसीजन टू कम इन टू दिस वर्ल्ड द डिसीजन वॉज टेकन बाय पेरेंट्स राइट एज पेरेंट्स वी डिसाइड वेन वी वॉन्ट हैव किड राइट तो बच्चे का तो इसमें कोई कुछ और नहीं बच्चे को तो पता भी नहीं उसका डिसीजन ही नहीं है लेकिन वो कॉन्सिक्वेंसे ज़रूर भुगत रहा है उन उन चीज़ों की जो उसका डिसीजन नहीं है फिर हम बच्चे को पालते इस तरह हैं जो बच्चे की डिमांड नहीं होती फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी बेगम का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ दिल करता है कि मेरा बच्चा जो है ना जी वो फलाने ब्रांड के कपड़े पहने हो सकता है कि ये बच्चे को नहीं चाहिए क्वाइट अ पॉसिबिलिटी ये आप क्या कर रहे हो अपनी कोई बैट ऑफ द माइंड जो आपने अपना कोई स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है जो आपको शायद बचपन में नहीं मिला आप चाहते हो मैं अपने बच्चे की वॉर्म में पूरा करूँ बच्चा इसलिए भी नहीं है

इसका इफ़ यू डोंट माइंड मैं एक एग्ज़ाम्पल मुझे बड़ा मज़े का याद आया जिसमें कुछ ख़वात जो थी जो अपने ओविशन पीरियड के अंदर थी उनको साइंटिस्ट ने एक कंट्रोल ग्रुप रखा और साथ वो ओविटिंग खातन थी और उन्होंने उनको टी शर्ट्स दी डिफरेंट मर्दों ने जिन्होंने पहनी हुई थी आ, और उन पर उनका जाहिर सी बात है रिजिजल जो स्वेट होता है वो था और उन्होंने कहा कि इनको सूँगो और फिर अट्रैक्टिवनेस के तौर पर रेट करो जस्ट बेस्ड ऑन स्मेल उन्होंने इन मर्दों को देखा नहीं हुआ था उन्होंने ये देखा कि जो ओविलेटिंग खातीन थीं उन्होंने जो सबसे सीमेट्रिकल मर्द थे जिनका चेहरा सबसे सीमेट्रिकल था उनको कॉन्स्टेंटली ज़्यादा हाई रैंक किया अट्रैक्टिवनेस में विदाउट लुकिंग एट दम बस उनका स्वेट्स स्वेट होंगे और सीमेट्री जो होती है वो उसका लेना देना जीन्स से होता है जितनी आपकी जीन्स स्ट्रॉग होंगी उतने आपके सिमेट्रिकल फ़ीचर्स होंगे हेंड्स उतने आप खूबसूरत होंगे तो कहने का मकसद कि ये ऐसी प्रोसेस है जो इतने लेवल्स बिलो कॉन्शियस आपकी थॉट चल रही है यानी आप तो सफ़र भी नहीं कर सकते कि ये हो रहा है पर यह प्रोसेस इस तरह की पता नहीं कितनी होंगी जो माइंड इज़ अ वेरी ऑन वन साइड वेरी सिंपल ऑन वन साइड वेरी कॉम्प्लेक्स एक लड़की है उसने कोई ट्रामा देखा है मैं आपको एक मिसाल देता हूँ वो बड़ी हो गई हमारे यहाँ है कि शादी कर दो कर, ये वन है वन है, था। लड़का नहीं, शादी कर दो लड़की को भी लगता है मेरी दुनिया के सारे मसलों का शादी मैं अपनी बेगम के साथ शुगर लगाता हूँ कि वो के बेगम साहबा आपके अब्बा सिक्सटी के है जो <laughs> सारी एक्सपेक्टेशन आपने मेरे से लगाई है ना मेरी जब शादी हुई थी मैं चौबीस साल का था यू नो राइट एक बड़ी कॉमन टर्म है अभी नहीं करना अपने मियाँ के साथ जाके करना ये सोशल कंडीशनिंग है ऐसे कपड़े अभी नहीं पहनने मियाँ के साथ जब शादी हो जाएगी ना तब करना फिरने जाना है तब करना ठीक हो गया अब पहले ही उसने एक सर्टन लेवल का ट्रामा अगर लिया है कभी और प्लस उसने ये सारा अपने आप को दबाया है अब अब वो पहले कहाँ निकलेगा मियाँ से जब शादी होगी वो तो या तो पचपन साल के अंकल हों बिल्कुल ठीक है जिनके पास सारा कुछ है अगर एक आप जेनवरली जवान एक स्ट्रगलिंग इंसान जो अपना करियर नॉर्मली बना रहा होता है उसके पास उस वक्त इतने पैसे नहीं होंगे उसके ऊपर भी स्ट्रेस होगा फैमिली का करियर का मल्टीपल अगर वो नहीं कर पाया अब ये औरत और बंद हो गई अब आपने उस पर एक और प्रेशर डाल दिया कि बेटा अभी तो इसको डील ना करो बच्चा पैदा कर लो क्योंकि अब हर चीज़ का इलाज क्या है बच्चा अब ये बंदा भी कुछ ठीक नहीं है इसको पता नहीं है कि औरत कैसे हैंडल करते हैं औरत को नहीं पता कि मियाँ मर्द चीज़ क्या होती है राइट अब इन दोनों की शादी हो गई और अब इनको कहा गया क्या हर मसले का हल क्या है बच्चा साल। बच्चा नहीं हुआ राइट ये सवाल पूछा जाएगा अब इन्होंने बच्चा पैदा कर लिया इनको टके का नहीं पता कि पेरेंटिंग किस चिड़िया का नाम है अब वो बच्चा आ चुका है अब वो बच्चा ही अब्जॉर्ब है अगले सात साल और अम्मी क्योंकि सारी देर दबाई जा रही थी उसको एक ही आउट मिलता है जो दिल में है बच्चे के ऊपर बस सिर्फ उस पर चल पा रहा है आपने उसके ऊपर इस्लाम थोप दिया बड़ी ही गलत सेंस में कि मैं मियाँ हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है चाहे अल्लाह कुछ और कह रहा है भाई जो पहले अल्लाह कह रहा है वो ठीक होगा उसके बाद सर आप जो कह रहे हैं ना वो ठीक होगा उस लाइट में उस लाइट में ठीक हो गया अगर आप डायरेक्ट अल्लाह से या हदीस से या दीन की कोई भी आपका कर उसी से अगर आप क्लैश कर रहे हैं तो आप तो ठीक हैं ही ना इस गलत हो गया आप दूसरी बात एक हस्बैंड बीवी को वो राइट तो दे ही नहीं सकता जो उसको अल्लाह ने दिया है आप कौन है उसको देने वाले उसको लेके पैदा हुई है उसके साथ इसकी मिसाल यह कि अगर मेरी बेटी है असद भाई की बेटी है राइट तो वो तो पैदा हुई है ना उन राइट्स के साथ जो अल्लाह ने उनको सेंचरी दे दिया है उनका मियाँ उनसे वो ले तो नहीं सकता ऐसे तो यहाँ पे पहले उस औरत को डिप्राइव भी कर दिया जाता है कुछ उसके तो उन राइट है जो उसको अल्लाह ने दिए थे ना उसको बाप ने देने थे ना मियाँ ने नामे में कर देते हैं निकालना मैं वो एक सबसे पहले, पहले माशा राइट ऑफ तलाक ही खत्म हो जाता है अब आप इमेजिन करें कि ये माँ जो एक बच्चा पाल रही है सात साल तक ये फाइनेंशियल स्ट्रेस में भी कहीं ना कहीं है ये सासू माँ एंड पॉलिटिकल स्ट्रेस में भी कहीं ना कहीं है मैं नहीं कह रहा हर जगह ये प्रॉब्लम है बट कहीं ना कहीं है अगर ये पढ़ी है लिखी है तो भाजवा कह दिया जाता है कि तुमने काम नहीं करना क्या उसको अपना करियर बनाने का कोई हक था ही नहीं ठीक है चलो उसने वो भी मान लिया अब वो एक बच्चा है अब वो सारी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगी क्योंकि मियाँ कहता मैं रात को थका हुआ घर आया हूँ मेरे से कोई और ऐसी बात ना करना hmm. वो बात भी नहीं उसके बाद आउटलेट भी आपने खत्म कर दिया फिर उसको कोई ऐसा आउटलेट मिलता जो गलत होता है बहन से बात कर ली किसी दोस्त से बात कर ली राइट वो ये कर रही है और उस दौरान वो बच्चों के से भी जगल कर रही है सात साल गुजरे बच्चे का सबकॉन्शियस डेवलप हो गया क्योंकि क्वेश्चन बेसिक हमारा ये है कि बच्चा किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है अब वो बच्चा स्कूल जा रहा था वो स्कूल में कुछ और देखता है और हर स्कूल की इन्वायरमेंट डिफरेंट होती है और घर पे कुछ और देखता है वो और कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है फिर वो कंपैरिजन का शिकार होना शुरू होता करते करते ये बच्चा आपके पास ओ लेवल में आ जाता यानी हिट कर चुका है बॉडी में हर किस्म का हार्मोन एक्टिव हो गया अब मैं जितने बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट बच्चों को घर पर उस वक्त रहने का शौक नहीं होता दे डोंट लाइक स्पेंडिंग टाइम विद देयर पेरेंट्स माई एसेंशियल क्वेश्चन इज वाई इससे पीछे जाते हैं सात साल तक बल्कि इवन दस साल तक एट टाइम्स बच्चे की कुल दुनिया कुल वैलिडेशन कुल जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो उसके माँ बाप होते हैं और जब आप उस बच्चे को गलत टाइम पे डिसिप्लिन करते हैं उससे बात नहीं करते हैं उसके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और उसको कहते हैं यार हमें बड़ी टेंशन है चुप करो मैं अभी क्या कर पता चुप करो बच्चा एक पूरा इंस्टाइन होता है और मैं अपनी बेगम को ये कहता होता हूँ और ये मैंने सीखा वह टाइम कि हमारी जिंदगी का लिटमस टेस्ट और हमारी टोटल के हम क्या चीज़ें हैं वो हमारे दो बच्चे हमें बिल्कुल सही बताएंगे वो बिल्कुल सच बता रहा होता है वो बच्चा लेकिन आपकी ईगो ये गवारा नहीं करती कि आप उस सच को माने और उसके बारे में कोई सोल्यूशन लें बच्चा लिटरल होता राइट मैं अक्सर मिसाल सुनाता हूँ मतलब मैंने अपने घर में बैन भी किया कि कभी ज़िंदगी में ये नहीं होगा कि आप बच्चों से कुछ कमिट करेंगे और पूरा नहीं करेंगे क्योंकि आप साइलेंटली उसको क्या सिखा रहे हैं अच्छा झूठ बोल सकते हैं अगर आप उसको अनड्यू फियर में डाल देंगे वो क्या करेगा उससे बचने के लिए झूठ बोलेगा अब झूठ एपेसेंटर है फिर आप कहेंगे जब वो बच्चा ओ लेवल में आएगा टीचर कह रहा है तुमने झूठ बोला वो भाई उसने घर पे सीखा था उसने टीचर्स को भी झूठ बोलते देखा था उसने तो अपनी एन्वायरमेंट में देखा था उस बच्चे का क्या कसूर है वो एक शेर है कि दुन, ना कि धुन रे अपनी धुन पराई धुनी का पापना बन तेरी रुई में चार बिन सबसे पहले उनको चुन हम कितना जस्टिस कर रहे हैं हाँ अब आता है स्कूल ठीक है माँ बाप की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाना है लेकिन जब आप बच्चों को सिर्फ स्कूल के हाथ पे छोड़ देंगे और माँ की आगोश हटा देंगे हुँ. तो स्कूल उनको आज का ख़ास तौर पे एजुकेशन सिस्टम जो कुल आठ सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं साइंस इंग्लिश मैथ सोशल स्टडीज़ और अब कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं चलो लैंग्वेजेस बच्चा जाता है उसको सुबह आठ अच्छा बच्चे के लिए फ़नी बात यह कि सात साल के बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है कि वो सुबह सात बजे उठे साइंटिफिकली प्रूव बन सारे स्कूल सुबह सात बजे आप छोटे छोटे बच्चों के लिए खोल देते हैं सात बजे का मतलब बच्चा को लाइक चलो छः बजे उठता है सात बजे नहीं आठ बजे पहुंचेगा आठ बजे भी नहीं ठीक एटलीस्ट बच्चे को दस साढ़े दस बजे वो होश में आता है एक टाइम तक बच्चे के लिए बारह घंटे की नींद जरूरी है फिर दस घंटे की नींद जरूरी है राइट right? अच्छा फिर बच्चे पे क्या प्रेशर है माँ बाप कहें सो सो जाओ जाओ सो जाओ रात को भाई उसका दिल कर रहा है बंदा पूछे मुझे कोई कहता रहे सो जाओ सो जाओ सो सोजो। जाओ मैं सो सोजूंगा hmm. <laughs> हमारे साथ बिल्कुल वो कोई चीज़ करे तो हमें बड़ा बुरा लगे लेकिन हम बच्चे के साथ करें तो उसको बुरा ना लगे ठीक हो गया फिर वो एक स्कूल में आता है जहाँ पे उसको स्टार्ट ही कहाँ से कराया जाता है प्लेफुलनेस नहीं है हमारे स्कूल्स में बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे कोई प्लेफुल चीजें हैं बच्चा बना ही प्ले हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल शुरू हो गया वन टू थ्री फॉर शुरू हो गया अली पे अलीपेपे शुरू हो गई उसको अब आपने कोलू का बैल बना दिया राइट right. अब आपने उसको वो बना दिया घोड़ा जिसकी यहाँ पे लगा था कि बेटा तूने ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना ये, ये इंडस्ट्रियल एज का एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे आपको वर्कर चाहिए थे जो लाइन में, में खड़े हो असेंबली में खड़े हो वॉक इन द लाइन स्टैंड अप फॉर द टीचर गुड मॉर्निंग टीचर पार्क सर जमीन ठीक है हमें सारों को मुल्क से बहुत प्यार लेकिन ये बच्चे के लिए डिजाइन नहीं है कि आप उसको लाइनों में लगाएं लाइनों में कहा लगाया जाता है ये ये एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्रियल एज में डिज़ाइन किया गया था और ये आज तक वही चल रहा है आप अगर एजुकेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं आप फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम उठाए पहली बात सात साल तक बच्चा स्कूल जा ही नहीं सकता जाता ही नहीं अच्छा जी आठ साल की उम्र में उनका स्टार्ट होता है जी यहाँ पे हम अक्सर रह गए तीन चार साल में पौने तीन साल उससे पहले जिम्बरी का प्री स्कूल ना ये नए खुले हैं एक साल का बच्चा छ जिस वक्त बच्चे को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है उस वक्त आप क्या कर रहे हो उसको माँ से अलग कर रहे हो आप उसमें सेपरेशन पहले दिन से इनकलकेट कर रहे हो हम देखते हैं कि अक्सर छोटे बच्चे जब उनका पहला दिन होता है तो वो बहुत रो रहे होते हैं वो अपनी लेकिन हम उस वक्त उनके फायदे के लिए उनको उधर छोड़ के जाते मेरा इसेंशियल क्वेश्चन है ये फायदा ये फायदा नहीं है लेकिन एट टाइम्स अगर आपको पता भी हो फॉर एग्जांपल आई डेंट अग्री मतलब मैंने अपनी बेटी को फिर साल डिले कराया बट मेरा जब बेटा था तो आपकी वाइफ्स को इतना ज्यादा होता है कि भाई सबके बच्चे स्कूल के लगे हमारा बच्चा क्यों नहीं जा रहा क्योंकि कॉन्स्टेंट कंपेरिजन है तो तीन साल की उम्र में आपने बच्चे को माउंटेसरी में डाल दिया चलो ठीक है वो आधा चार घंटे खेल के घर आ जाता है बट अगेन उसको सबसे ज्यादा उसको वक्त माँ बाप की ज़रूरत है आपने उसको कौन सा आइंस्टाइन बना लेना मेरे पास ई लेवल में जब बच्चा आता है तो मैं सोचता हूँ माँ बाप ने एक तीन साल की उम्र में जमा कराया था बच्चे को स्कूल में और वो चाह रहे थे कि ये पता नहीं क्या बन जाएगा तो माशा अगर ग्यारह साल चौदह साल बाद यही बना है तो ज़रूरत ही नहीं थी तीन साल पर आई थिंक यहाँ पर एक चीज़ जो नोट करनी चाहिए आपने हमारा भी एक सिमिलर बिलीफ है इसको कि जो करंट एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बना था अनफॉर्चुनेटली वो टास्क सॉर्ट ऑफ फिनिश ऑफ हो रही हैं और स्लोली है, स्टडी प्रोफेशन जिस तरह इवॉल्व कर रहे हैं वो रिक्वायरमेंट ही मीट नहीं रही दस वो आजकल एक पूरा ऑन्टरप्रनोर सर्किट है दुनिया भर में जो कहते हैं रिजेक्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिजेक्ट स्कूल एजुकेशन वो वो भी आई एक रिएक्शन है हाँ, वो बेसिकली एक वो एक, है।, एक है ये अक्सर होता है क्या कि एक प्रॉब्लम होती है मुशरे के अंदर उसको आप करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे तो वो मुआरह ख़ुद उसका एक काउंटर नैरेटिव बना देता है और वो अमूमन सही नहीं होता वो भी एक्सट्रीम पे एग्जस्ट करता है अब सात साल की उम्र में ऐसा बच्चा स्कूल आ गया करते करते वो ओ लेवल से पहुंच गया इधर एक क्वेश्चन होता है जो क्योंकि मेरे बच्चे ही बड़े हो रहे हैं मेरी बेटी स्कूल जा रही है तो मेरे घर में ये कॉन्वर्सेशन हो रही है सो क्या बनाना है और ऑनेस्टली मेरा जवाब होता है यार मुझे कुछ नहीं पता मतलब मैं कैसे बता दूँ एक चार साल का बच्चा क्या बनेगा मुझे तो ये भी नहीं पता अभी इस पॉडकास्ट से पहले हमें नहीं पता इस पॉडकास्ट में क्या होगा ठीक है वह तो हम आए हैं बैठे हैं हमने कहा अच्छा जीशान भाई बात होगी बात कहाँ से कहाँ जा रही है अब जब आपके पास ओ लेवल में एक बच्चा आता है और सारे बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं ओ लेवल में ये क्यों mostly, पढ़ते हैं मोस्टली मैम वो कुछ लकी बच्चे होते हैं जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं या इस टाइप चीजों होते हैं <laughs> अब फिज़िक्स एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसका एक मेरा बिलीफ है कि एक इंक्विजिटिवनेस इंसान में होनी चाहिए टू ट्रूली अंडरस्टैंड एंड द सब्जेक्ट ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए भी ट्रू है इंजीनियर्स जिस स्पीड से हम बना रहे हैं उस स्पीड से हम उनकी जॉब क्रिएशन नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो प्री इंजीनियरिंग या प्री मेड भी कर रहे हैं फिज़िक्स के साथ और वो ए लेवल्स में भी जा रहे हैं और पेट तो करियर पाते पुश कर रहे हैं वो उनको अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं अब एजुकेशन सिस्टम का क्या यहाँ पर रोल नहीं बनता उसको मिटिगेट करना पेरेंट्स को एक्चुअली समझाना कि आप इतने फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं से इतनी प्री इंजीनियरिंग किस चीज़ के लिए करा रहे हैं बिकॉज अगर आपको आगे वर्क फोर्स में रिक्वेस्टेड जॉब्स नहीं मिलनी तो फिर आपका बच्चा वर्चुअली ये टाइम एक अजियत में विदाउट एनी पॉजिटिव आउटकम गुजार है बिकॉज हमने भी बहुत टाइम अजियत में गुजारा है ट्रेनिंग करते हुए और उसका पर्पज़ हो जा रहा कि आपने फाइट करनी है स्वयं में और उसमें आपको ग्रेटिफिकेशन मिलती थी पर आप इमेजन करो कि मैं आपको 10 साल किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कराता रहूं और कोई फाइट नहीं है कोई मेडल एक्लेट नहीं है तो दसवें साल या आप मुझे मार दोगे या मैं आपको मार दूंगा तो स्कूल्स इसके अंदर एक तो स्कूल्स को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते भी हैं कि नहीं क्योंकि ज़ाहिर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है एक मनी मेक एक, एक इंसेंटिव भी है उनका और बिजनेस है उसका होना भी चाहिए स्कूल्स क्या उसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं अगर करते हैं तो फिर उसके लिए स्कूल्स क्या सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं मैं आपको इसमें बताता हूँ इसके दो एंड्स हैं एक ये है कि वो टाइप ऑफ माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे की प्री रेकड डेस्टिनेशन सेट कर दी हुई है कि बेटा यही बनना है अब उसके अंदर वो स्कूल को भी कुछ नहीं समझते आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमारे बच्चे के लिए क्या बेहतर है आप फीस पकड़ें बच्चा पढ़ाएं जो हम कह रहे हैं और घर जाएँ राइट हमसे बहस ना करें दिस इज़ वन टाइप ऑफ पेरेंट्स दूसरे टाइप ऑफ पेरेंट्स वो हैं जो कि कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी में हैं वो ये देखेंगे कि यार हमने जो स्ट्रगल्स जी हमारा बचा ना जीए तो कौन सी वो फील्ड्स हैं जिनमें आजकल सबसे ज़्यादा पैसा है तो वो अपने बच्चों को वो सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर देंगे जिसमें आजकल सबसे ज़्यादा पैसा है करंटली 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 या दस साल पहले जब वो बड़े हो रहे थे तो था अब वो एक ओल्ड में जी रहे हैं ये सारे बच्चे फॉर अगर आज सॉरी बट अगर एक यूट्यूबर एक मिलियन फॉलोअर्स के बाद सर बड़े बड़े को काटता है राइट फॉर एग्जाम्पल एक मिलियन से दो मिलियन व्यूज़ के ऊपर आपको छः हज़ार डॉलर पर मंथ मिलता है आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन गैप भी है छः हज़ार डॉलर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त होने का मतलब है कि आप तकरीबन उन्नीस लाख ,00 रुपये महीना कमा रहे हैं और वो आपका बच्चा माशाल्लाह आठ से दस साल की उम्र में भी कर सकता है अगर आप उसको वो रिक्वायर्ड स्किल सेट और कंसिस्टेंसी दे दें और फ्री हैंड दे दें दे कि यार तुम कुछ क्लियर कर लो तो एक है जो ओल्ड रियालिटी में जी रहे हैं या करंटली डॉक्टर हैं तो वो चाहेंगे हमारी लेगेसी है मेरे अब्बू डॉक्टर थे मैं डॉक्टर हूँ मेरी बेटी बेटा भी डॉक्टर ही होंगे हम डॉक्टर्स की फैमिली लॉयर्स में ये चलता मेरे अब्बा जज थे मैं भी लॉयर हूँ मैं जज बनने वाला हूँ मेरा बेटा भी इसी में आएगा हमारी फैमिली सेटअप ऐसा है ये यही करेगा ठीक हो गया चाहे बच्चे ने करना है या नहीं करना बिजनेस में तो ये बहुत है ठीक है बाद में समझ जाएगा ठीक है बेटा हमारा टेक्सटाइल का काम है तुमने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग ही करनी है चाहे उसको फिजिक्स जैर लगती है उसको करना बिजनेस पसंद है लेकिन इंजीनियरिंग के लिए तो फिजिक्स लेनी पड़ेंगे ठीक हो क्या वो तो पुरानी मिसाल जो जमींदार अपने बेटे को वकील फौज या सी एस एस सर सी 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 मैं बताता हूँ ये मसला कहाँ शुरू होता है प्री पार्टीशन सर हमें इज्जत नहीं मिल रही थी ये बात सच है हमें अच्छी जॉब नहीं मिलती थी तो मेरी दादी ने मेरे वालदेन को या मेरे नाना नानी है और मेरे दादा दादी ने मेरे अब्बा और मेरी अम्मा को कहा कि अच्छी पढ़ाई करके अफसर लगना है ये कॉन्सेप्ट आज ही पाकिस्तान में है। ठीक हो गया सरकारी नौकरी लेने बेटा अफसर लगना सी एस पी बनना है या गवर्नमेंट का अफसर लगना है किसी भी डिपार्टमेंट में तो उन्होंने पढ़ाई की और उनका ज़िंदगी का एक ही गोल था कि हमने अफसर बनना है और तो उस वक्त इतनी ऑप्शन नहीं थी जो भी था और माँ बाप से ज़रा खौफ भी ज़्यादा था वो सारे अफसर बने उन्होंने बिल्कुल एक अच्छी ज़िंदगी दी उसके बाद वो उसी रियलिटी में उन्होंने कहा कि हाँ आपने भी अच्छी पढ़ाई करनी है और उसी से आपका कुछ ज़िंदगी में बनेगा अब ये एक लिमिटिंग बिलीफ है आपने बच्चे में पहले दिन से डाल दिया होता है कि अगर तुमने पढ़ा ना ना तो तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा वैसे ही है लिमिटिंग बिलीफ क्योंकि बहुत सारी मिसालें आज की दुनिया में और इससे पहले भी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और दे हैव डन वेरी वेल फॉर दैम सेल्वस एंड फॉर द सोसाइटी टू ठीक हो गया लेकिन ऑब्वियसली उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और हैं प्रेजस भी अटैच्ड है खानदानी नाम भी अटैच्ड है हम भी अटैच्ड हैं बेटा मैं कैम्ब्रिज गया था अगर मेरा बेटा कैम्ब्रिज नहीं जाता तो ये तो नाक कट जाएगी यहाँ पे एक मसलन कि जितना भी हम इस प्रॉब्लम को फरोलते हैं तो, तो एक डीप लैक ऑफ इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तानी माशरे में नज़र आना शुरू बहुत तोल नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पर अक्सर हमारी प्राइवेटली तो ये बहस होती है अब दो तीन दफ़ा तो पॉडकास्ट भी हो चुकी है कि एक मुसलमान का पर्पज़ क्या है ज़िंदगी में बिकॉज हम सब मुसलमान हैं कलमा पढ़ते हैं नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं रोज़े करते हैं जिक्त करते हैं अगर इस्लाम के ट्रू बिलीफ के मुताबिक ज़िंदगी जीनी है तो उसका पर्पज़ थोड़ा वेल डिफाइंड है क्लियर भी है आपको काउंटलेस मसाले भी मिल जाती हैं जिनको आपने फॉलो करना है आज की दुनिया का जो पर्पज़ है जिसको हम मैट्रिक ऑफ सक्सेस कहते हैं वो इतना डायमेट्रिकली अपोज्ड है इस्लाम के मैट्रिक ऑफ सक्सेस को कि मुझे लगता है कि पंद्रह चौदह सोलह साल के बच्चे ये चॉइस सब कॉन्शियसली कर रहे होते हैं उनको सारे माँ बाप कहते हैं नमाज़ पढ़ो मस्जिद लेके जाओ हर चीज़ करो और वो उनको ईद पे तैयार करते हैं। सब कुछ हो रहा होता है लेकिन साथ ही उसको मंत्रा ये पढ़ते कि बेटा बड़ा आदमी बनना है और बड़े आदमी की डेफिनेशन अब वर्चुअली अमीर आदमी बन गई है और दुनिया में जितने मनी मेकिंग टूल्स आ गए हैं उनमें आगे बढ़ने के जो तरीके भी आ गए हैं वो काफ़ी हद तक इस्लाम की रूह से काउंटर इंटोएटिव होते हैं मैं इस पर एक विवाद देता हूँ पहली बात यह कि हमने ना इस्लाम को सिर्फ वो इस्लाम बताया जो रिचुअल इस्लाम है। इस्लाम एक्चुअली इज नॉट अ मज़हब इस्लाम मजहब है ही नहीं मैं इससे एग्री नहीं करता इस्लाम बेसिकली एक वे ऑफ लाइफ है कंप्लीट। लेकिन हमने वे ऑफ लाइफ दिया है वेस्ट का और रिचुअल्स हमने कहा है नमाज रोज़ा हज़क़त इस्लाम इस्लाम ले लो बस बेटा ईद पे जो मेरे कुछ और कमीज में नहीं और बाकी हम फख्र से कहते हैं ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हाँ। है क्योंकि रिचुअल्स पूरे करता है हाँ हाँ हालांकि हाँ। हाँ। मुस्लिम ट्रू मुस्लिम प्रैक्टिसिंग का वर्ड ही नहीं है उसका वे ऑफ लाइफ ही उसका उठना बैठना कारोबार का तरीका चीज़ों की इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी सेट ही उस पर होती तो हम जिसको इस्लाम कहते हैं मैं उसको इस्लाम मानता ही नहीं हूँ वो सिर्फ रिचुअल हैं

इंसान के बस में ही नहीं है ये करना कि वो पार्टिकल्स जो आपको नजर भी नहीं आते हैं जो बाज आपको माइक्रोस्कोप को भी पता नहीं कितने बड़े लगाने पड़ते हैं वो एक छोटा सा पार्टिकल कर कह है और उसमें कितनी पावर है लेकिन इट्स नॉट कूल टू कोट इस्लाम और कूल टू ऐसी बात में cool ना आपकी नौकरी जा सकती <laughs> <थीक> है <laughs> रात जनरली <कर ला> <laughs> भी सोसाइटी में भी ठीक हो गया अब मसला ये है कि वो बच्चा घर से भी नहीं सीख पा रहा और स्कूल भी क्या कर रहा है कि वो मोस्टली यही कर रहा है कि दुनिया 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 वो मिल गया ना तुम्हारे पास पैसा आ गया तो मैं चैन मिल जाएगा सुकून का कोई ताल्लुक नहीं है पैसे के साथ शायद ज्यादा चांसेस है बेचैन कर देगा ठीक हो गया तुम्हें फलाने तुमने कपड़े पहन लिए ना और फलाना ब्रांड पहन लिया तो ओहो वो मार्केटिंग कैंपेन्स भी हैं ब्रांड्स हैं तो बेचना है आपको राइट वो तो आपको ऐसे ही दिखाएंगे कि सबसे कूल लड़की फलाने कपड़े ब्रांड के कपड़े पहनती है और सबसे कूल लड़का ये पहनता है और उसके बाद वो गाड़ी होती है और उसके बाद वो गाड़ी होती है और इसके अंदर ट्रू इल्म को आपने कहीं बड़े पसे पर्दा डाल दिया आपने मालूम को ऊपर कर दिया और इल्म को नीचे नीचे कर दिया आप स्कूल में मालूम के लिए जा रहे हैं वो आपको चार साल की डिग्री मिलेगी बैचलर्स की इल्म नाम की चीज नहीं मिलेगी शूर नहीं मिलेगा ट्रू विजडम नहीं मिलेगा अच्छा चले मैं आगे करता हूँ कि आप बच्चों अक्सर बच्चों को मैं पूछूँ जी क्या करना है क्यों करने आए हो ए लेवल्स क्यों करनी है डिग्री पैसे कमाने सर अच्छा द साइंस ऑफ मनी है ही नहीं रिलेटेड टू वट काइंड ऑफ डिग्री यू डू आपको प्रोफेसर्स मिलेंगे पी एच डी गरीब ढाई लाख तनख्वाह दो लाख तनख्वाह डेढ़ लाख तनख्वाह स्ट्रगलिंग टू मीट एक्सपेंसिस और आपको अंगूठा जिनको लगाना आता है और कुछ नहीं स्कूलिंग प्रॉपर स्कूलिंग में उनको बिल्कुल जाहिल नहीं कहता वो बहुत और बहुत अकल वाले लोग होते हैं बट आपका स्टैंडर्ड ये है कि आप क्योंकि हार्वर्ड से नहीं पढ़े ना या आप क्योंकि लम्ब नहीं गए ना तो आप ओ हो आपको नहीं पता अछूत हैं ठीक है, हाँ, है हालांकि उनमें जो इल्म है ट्रू इल्म है उन लोगों में राइट वो लेने की चीज़ है वो पूरी यूनिवर्सिटी है अपने अंदर एक बंदे ने अगर स्क्रैच से खड़ा किया एक बिजनेस क्या वो पूरी यूनिवर्सिटी नहीं है? है तो आपको किस किस स्टेप पे नहीं नहीं क्योंकि उसके बाद लंब से डिग्री नहीं थी तो इसलिए आप उसको वैल्यू नहीं देंगे और नहीं मिलती हमारे माशेरे में तो हमारे डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं जी इनफैक्ट हम ये चीज़ एक और इसका रूप ये देखते हैं कि जिसको हम कहते हैं डिफरेंस टू एक्सपर्ट्स के अच्छा ये बात अब एक्सपर्ट ने कर दी है तो यही कुरान हदीस है नौज़ुबल्ला और हम इन्हें इसके ऊपर ही मानना है इंडिपेंडेंट रिसर्च या कोई बंदा बल्कि अब हम एक्टिवली देखते हैं जिस तरह पिछले दिनों एक आ, मर्ज डेट से आया था दुनिया में तो उस केस के अंदर उन्होंने बाकायदा आउट कर दिया इस चीज़ को कि यार आप अपनी तरफ से तो कोई रिसर्च कर ही नहीं सकते इसके ऊपर यू हैव टू लिसन टू ये जो बड़ी इंस्टीट्यूशनस कह रही हैं और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ा क्या देखा कि वो इंस्टीट्यूशन ने जो पहले बात की थी पहले फ़ेज़ में वो बाद में गलत साबित हुई जो दूसरी बात उन्होंने की वो तीसरे फेज़ में गलत साबित हुई और जो बंदा इंडिपेंडेंट रिसर्च कर कर करके पिट रहा था कि यार ये देखो उसकी बात उस टाइम स्टैंड एक, एक खुशाइन बात है कि माशरे में जब भी कोई एक आवाज़ बाकी आवाज़ों को दबाती है तो वो कुछ अर्से के लिए होता है उसका काउंटर बनता ही बनता है पाकिस्तान में आपको जीती जाती मिसाल मिलती है इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा की आप उससे इतफ़ाक़ करें बहस करें उसको गलत समझें जो मर्जी समझें जो एक तहकीक ना करने का लिबादा माशरे ने और आलमों ने उड़ा हुआ था उसने उसको बेनकाब किया उसने कहा जी हर चीज़ मौजूद है हर चीज़ की ट्रांसलेशन मौजूद है हर चीज़ तफस आप पढ़ें तो सही आप देखें तो सही इवन कि जो नेक्स्ट एक सवाल है मेरा झिशान भाई के लिए अगर हमें नज़र आ रहा है कि यह जो एजुकेशन का लिबादा उड़ा हुआ है हमारे इंस्टीट्यूशन में से सब हिस्सेदार हैं पेरेंट भी हिस्सेदार है टीचर भी हिस्सेदार है और स्कूल ओनर भी हिस्सेदार है जब वो लबादा हम हटाते हैं और देखते हैं कि नहीं यहाँ पे इल्म नहीं है यहाँ पे दुनियावी हरबे और फार्मे हैं एक दकिया नूसी सोच के जो शायद अब असली दुनिया में काम भी ना करें अब इसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है और बहुत सारे लोग जो सोचते हैं लाइन से उनका स्वागत है कि यार हम अपने बच्चों के साथ करें क्या लाइक like, मैंने मेरी मजबूरी है कि दुनिया के नॉर्म्स के मुताबिक मैंने बच्चे को स्कूल भेजना है मैंने उसको एक डिटर्मनड सिलेबस के मुताबिक पढ़ाना है तैयार करना है उसको डिग्री दिलवानी है क्योंकि इवन बेसिक चीज़ों की तरह कि आपकी शादी नहीं होती अगर आपकी डिग्री ना हो आपको इतने बैरियर टू एंट्री क्रिएट कर दिए गए हैं डिग्री के लिए उसे बारह गुज़ारा नहीं होता तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या एग्जिस्ट करता और है और मैं सॉरी इस पर ना थोड़ा एक ऐड ये भी करना चाहूँगा इन डिफेंस ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन के मुझे ज़ाती तौर पर काफ़ी जगह ये चीज़ नज़र आती है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर जो हमारा मे हमारी मेड है जो हमारा ड्राइवर काम करता है बड़े अरसे हमारे साथ हैं उनके माशाल्लाह से तीन बच्चे हैं और वो तीन बच्चे बड़े इस तरह हुए हैं जैसे वो मेरे छोटे भाई हों तीनों लड़के हैं वो हमारे घर में उठना बैठना कभी कभार वो सोते भी हमारे साथ ही हैं खाना पीना हमारी टेबल पे करते हैं तो वो बिल्कुल पार्ट ऑफ़ द फैमिली हैं हमारे साथ बट डिस्पाइट दिस मैं देखता हूँ कि उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं जो ज़रा बेहतर एजुकेशन अफोर्ड करते हैं उन बच्चों में उनकी एज में छोटे बच्चे हैं चार पाँच साल के उनमें और उन बच्चों में फिर भी एक डिफरेंस आपको नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ जिस तरह वो बोलते हैं जिस तरह वो चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की जो जिनको बच्चों को थोड़ी बेहतर एजुकेशन अफोर्ड हुई हुई है हालांकि इन्वामेंट की अगर आपने बात करनी हो तो इन्वायरमेंट तो तकरीबन हमारे घर की है मेरे बहन आ, मेरे वालदे मेरे बहन भाई जो हैं वही उनके साथ उठते बैठते हैं डिफरेंस मैं एजुकेशन की वजह मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा है यहां पे लेट मी मेक इट क्लियर कि मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन के प्रॉब्लम्स पे बात हो रही है। ये बात नहीं हो रही कि बिल्कुल ही फ्लॉड है वन आज की दुनिया चलती है बहुत सारी प्रोफेशंस में जाने के लिए आप डॉक्टर को एम के बगैर डॉक्टर नहीं वाकई नहीं मान सकते सच आप इंजीनियर को इंजीनियरिंग पढ़ाई बगैर आप उसको पुल बनाने की इजाजत नहीं दे सकते पाकिस्तान में तो मिल जाती है <laughs> तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो वाकई जरूरी हैं बात ही हो रही है कि क्या वो हर बच्चे के लिए जरूरी है या देखें आइंस्टाइन ने कहा था यू कांट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री मतलब अगर एक कॉमन मकसद है और पैसा एक जिंदगी का इंपॉर्टेंट पार्ट है इंपॉर्टेंट वो डिसकंफर्ट आपकी जिंदगी से ले जाता है अगर पैसा हो तो आप गर्मी में खजल नहीं होंगे आप ए सी शायद अफोर्ड कर लेंगे वन तो मैं पैसा डिज नॉट आई डोंट एग्री कि पैसा हैप्पीनेस लाता है बट पैसा डिसकम्फर्ट जरूर कम कर देता है राइट उसकी एक मार्जिनल यूटिलिटी है एक लिमिट तक अब मसला ये है कि स्कूल्स बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी कर रहे हैं राइट अगर आपने वाकई डॉक्टर बनना है तो भाई आपने बायोलॉजी आपको पहले बेसिक समझनी पड़ेगी आपको केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी आपको सब्जेक्ट्स चाहिए मेरा सिर्फ मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ कि यार जो सब्जेक्ट उसके अलावा भी बहुत ज़रूरी हैं वो है हाउ टू मेक मनी एक बच्चे को पैंतीस साल चालीस साल का तक क्यों फाइनेंशियल स्ट्रगल में चलना है हालांकि तो आज ये एविडेंट है कि मनी, मनी इज एन आर्ट, इट्स अ स्किल रिचेस्ट मैन ऑफ बेबलॉन किताब है आई थिंक वो सातवीं में लगा देनी चाहिए वो मनी मैनेजमेंट सिखाती है एक पार्ट होता है पैसा कमाना दूसरा पार्ट होता है पैसा प्रोटेक्ट करना उसमें मगर सूद भी काफी पुश किया जाए राइट right? वो एक अलग चीज़ है हम ये सब दे सकते हैं ना वी कैन कम्बाइन आर थिंग्स विद प्रॉपर प्रिंसिपल्स एंड टेल इट टू आर चिल्ड्रन स्टार्टिंग फ्रॉम एज सेवन एक बच्चा बैचलर्स कर लेता है सर उसको ये पता है, मुझे जॉब मिल जाए अच्छा उसको जॉब भी मिल गई उसको ये नहीं पता मैंने पैसा मैनेज कैसे करना है इन्वेस्ट करना किसका नाम होता है वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटजीज़ क्या होती हैं तो वो बच्चा पैसा आता है खर्च देता है उसके बाद वहीं है फिर अच्छा उसकी सैलरी बढ़ जाती है वो थोड़ा ज़्यादा कमाता है वो खर्चे बढ़ा लेता है उसकी सेविंग फिर कोई नहीं हो रही उसकी इन्वेस्टमेंट फिर कोई नहीं हो रही तो करते करते आप मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर कितने पैंतीस से चालीस साल के लोग हैं जिनके पास वाकई कोई बैकअप है बहुत कम है बहुत ये उंगली मतलब इट्स मे बी फाइव परसेंट सर और अगर कोई बैकअप है ना तो उसमें वालदेन का बैकअप है उसका सेल्फ क्रिएटेड बैकअप नहीं है तो ये तकलीफ दे बात है कि एक बंदा जो कि जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की जो कि एक प्रोफेशनल है अब उसमें मनी स्किल्स हैं ही नहीं वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करी जा रहा है करी जा रहा है करी जा रहा है और पंद्रह साल बीस साल पच्चीस साल तीस साल करता है तो मैं इस बात का हम ही हूँ कि यार मनी स्किल्स को सातवीं से पढ़ाना शुरू करें ए लेवल तक जब बच्चा करके निकलेगा ना ठीक कारीगर होगा वो अपने बैचलर्स के दौरान ही पैसा कमाना सीख लेगा ठीक हो गया इसकी एक्चली एक मिसाल है कि जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल उसने क्लास सेवन एट नाइन टेन बच्चों के ग्रुप्स बनाए पाँच पाँच छः छः के और उनको सरकार की तरफ से एक अमाउंट ऑफ मनी ग्रांट किया दस हज़ार इंडियन रुपीस और उनका इससे आपने कोई बिजनेस करना है तो वो पांच बच्चों ने मिल के कुछ जूस का ठेला लगा लिया कुछ कर लिया कुछ कर लिया उनमें से जो टॉप टेन बिजनेस थे जो लाइक पूरे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के जो सरकारी स्कूल थे उसमें हो रहा था उसमें जो टॉप टेन बिजनेस थे वो सालाना करोड़ टर्न ओवर पर आ गए या आठ साल के बच्चे वाकई के हाँ टॉप टेन बिजनेसेस अब ज़ाहिर है होता क्या कि लेट्स से आपके पास दिल्ली के अंदर बीस लाख बच्चा पढ़ रहा है इस एज ब्रैकेट में और आप उनकी टोलियाँ बना के वो पैसे देते हो तो वो कोई ना कोई ग्रेट आइडिया एग्जिस्ट करता है उनके दिमाग में वो एक्टिवेट होता है mm -hmm. फाइनेंस आ गई ना किसी ने पुश किया कि बेटा ये कर लो फॉर एग्जांपल दस लड़के स्विमिंग के ट्रायल देने जाते हैं सीखने के लिए जिसका नेचुरल फ़िजिकल टैलेंट होता है अगर वो ट्रायल पे आ जाए तो उसमें एक चीज़ एक्टिवेट होती है उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिलती है जब वो अच्छा परफॉर्म होता है वो उस लाइन पर लग जाता है अब वो बच्चे जब ग्रो अप करेंगे जब वो आई बिलीव सोलह सतारह साल के होंगे ओ लेवल्स की एज में तो उनके दिमाग डिफरेंटली ऑपरेट कर रहे होंगे वो जो हम कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी काम जब पहली सेल होती है खून लगता है तो बंदे का दिमाग खुल जाता है कि अच्छा ऐ भी हो ऐ भी हो भी होंगे अगर ये चीज जिस मैं इस केस में बिल्कुल एक सॉरी मैं आपको लिमिटिंग बिलीफ आपने खुद बच्चे में इंस्टॉल किया हुआ है कि बेटा बाईस साल से पहले तो आपने कमाना ही नहीं है ये किस ये कौन से कुरान में है नहीं नहीं तो बिल्कुल भी नहीं दस साल के बच्चे को आप कहे यार तुम कमा सकते हो सीखो क्यों नहीं कहते आप उसको एक बच्चा जब सामने बैठता था सर उसको इंस्टॉल्ड है कि 22 साल की उम्र से पहले मेरा पैसे कमाने से ताल्लुक कोई भी और अगर कमाने से ताल्लुक नहीं है तो फिर बचाने से भी ताल्लुक नहीं है हाँ, कमाई का तो बचा बचा वो तो दस साल नौकरी करता है मैं आपको बत्तीस साल के लड़कों से मिलवा देता हूं सर जो आज भी डेढ़ लाख रुपए कमा रहे हैं उसमें से पचास हजार वो उबर पे लगा देते हैं पंद्रह हजार के वो सिगरेट पी लेते हैं बाकी खर्चे खुर्चे करते कुरते वो महीने के एंड पे सिफर बैठे होते हैं ये बंदा बत्तीस साल का है सर और गलती से अगर आपने उसकी शादी करा दी है तो आपको लगता है ये बड़ा हैप्पी रिलेशनशिप होगा नहीं और ये इंसान बड़ा मचोर है नहीं क्यों आप उसको कहे बारह साल की उम्र से मैं कहता हूं जी बाईस पे आपने आज बिलीव डाला वह आप आज बारह से शुरू करवाएं सर आप एक डेकेड आगे ले जाएंगे अपने मुल्क मुल्क को मैं कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी इस केस में मैं बहुत लकी था कि मैं नालायक था तो मेरे बाल साहब ने लास्ट रिजॉर्ट कहा कि यार तुम है भूखे ना, ना तो बिल्कुल नहीं थे आप अपनी हिस्ट्री भी थोड़ी सी बता देना नहीं नहीं नालायक इन देंस दे मैं चाहता हूँ कि मुझे पढ़ने का नहीं शौक था एग्ज़ाम देने में लाइक मैं चाहता हूँ तो नलायक कैसे था और ये भी रियल चीज़ है जो लोग नहीं समझते मैं एग्ज़ाम देने में बहुत बुरा हूँ एग्जाम नर्वसनेस होती थी मुझे एक रात पहले तैयारी कर और उस प्रेशर के अंदर मुझे एग्ज़ाम दिया और मुझे उस वक्त समझाना नहीं आता था कि यार मुझे सबक याद है लेकिन मुझसे उसकी रिटर्न डिलीवरी नहीं हो रही तो मुझसे ओवरऑल एग्जाम ले लो मैं पास हो जाऊँगा कोई टेंशन ही नहीं ये एक प्रॉब्लम था और सन 2000 हज़ार मेरे से आठ में मैंने ओ लेवल्स दिया था और फिर सन 2010 में ए लेवल्स दिया लेकिन मुझे ये मैनिफेस्ट नहीं करना आता कैसे बताऊँ तो मेरे वाल साहब ने लास्ट रिडाट मुझे कहा बेटा ज़िंदगी में कुछ तो करना है आप मेरे प्रॉपर्टी के काम में आ जाएँ रायवण दफ्तर है वहाँ चले जाएँ अब 18 साल का बच्चा रिलेटिवली उसके अंदर करंट होता है अडेप्ट का अभी उसकी चीज़ें इतनी मच्योर नहीं होती मैंटली अब अट्ठारह साल की उम्र से ले कर बाईस साल की उम्र तक अब ज़ाहिर मेरी शादी तो हो नहीं सकती थी उस टाइम पर वो चार साल मेरे पास इतना बड़ा लर्निंग कर्व हो गया कि लोग पचास पचास करोड़ रुपया ले भी चालीस साल की उम्र में प्रॉपर्टी के ये काम में आते हैं लेकिन उनको वनडी ही समझ नहीं आ रही होती क्योंकि आपकी लर्निंग उस तरह हुई है इसलिए मैं बड़ा एडवोकेट करता था कि मेरी अपनी फिश है इन शह मुझे कामयाब करे कि मैं अपने बच्चों को बारह तेरह साल की उम्र के बाद कहूँगे कोई ना कोई काम चाहे एज सिंपल एज़ किसी को ट्यूशन पढ़ाना कि आपको पता हो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है किसी को एक घंटा पढ़ाना उसके रिज़ल्ट लेना उससे फ़ीस अपनी लेना इसलिए नहीं कि आपको पैसों की जरूरत है इसलिए कि आपको सेंस ऑफ बिजनेस आए प्लस अगर आप लेट से बीस हजार रुपया बारह साल की उम्र में आपको महीने का आता है उस बीस हजार का आपने किया क्या है क्योंकि प्रॉपर्टी में हमें अगला काम सकते थे कि अगर लाख रुपया बचा है वो खाना नहीं है बीस हजार खाना है अस्सी हजार रुपया कहीं फिट करना है अब, अब ये, ये मनी स्किल और हैबिट है ना सर अब वो सेकेंड नेचर बन गई है कि जितना मर्जी आप पैसा लेंगे सबसे पहले वन डोगे अच्छा वो अक्सर हमारे वाल साहब कहते हैं कि ये प्लाट क्यों बेच रहे हो हम कहते हैं सर ऑफ़र आ गया है मगर नहीं ये प्लाट तब बेचने हैं जब आगे कोई चीज़ है ख़रीदने को वरना पैसे अकाउंट में रख तुमने क्या कर लेना है अब मैंने तो बाकायदा देखे हैं कि मेरे अकाउंट में पैसे हों और आगे कोई चीज़ ना हो खरीदने के लिए तुम तो वो पैसे खर्च हो जाते हैं और बिला हो जाए खर्चे अच्छा पड़े हुए हैं तो आ, बेगम तुम ये ले लो मैं ये ले लेता हूँ इसको ये दिला दो उसको उधार दे दो तो वो और मैंने एक आ, स्पीच सुन रहा था एक बंदा प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा टाइकून है अमेरिका में उसका नाम मुझे भी याद आ जाएगा आ, नहीं आएगा तो हम लिंक में डाल देंगे वीटर बिलफोर्ड नहीं वीटर बिलफोर्ड तो वुल्फ वॉरशीट था सही वो स्टॉक्स था ये प्रॉपर्टी का टाइकून है बेसिकली वो कहता है कि कभी भी मैं साल में दो दफ़ा बैंक होता हूँ फिजिकल कैपिटल से यह नहीं होता मैं अपना पैसा अकाउंट में टिकने नहीं देता मैं एसेट्स में ही इन्वेस्ट करता रहता तो करता रहता हूँ करता रहता हूँ कि जब मेरे फिजिकल कैपिटल टिकता था तो वो कहीं ना कहीं विदाउट रिटर्न स्पेंड होता था कपड़े गाड़ियाँ लाइफ उधार ये विदाउट रिटर्न स्पेंडिंग है ठीक है आप लोगों में पैसे बांटें अच्छी सखी बात है लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपने पर्सनल सेविंग और पर्सनल इन्वेस्टमेंट कैसे आप बहुत आगे चले गए आपको पता है मैं जब पूछता हूँ ना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी ये नहीं पता बाईस साल के बच्चे को नहीं पता उसकी सिंपल डेफिनेशन क्या बताता हूँ मैं उनको कि भाई एसेट इज समथिंग इट पुट्स मनी इन योर पॉकेट इन लाइबिलिटी पॉकेट एक बंदा पैसे कमाता है सिर्फ लाइबिलिटीज ले आता है अपने लिए ए मत किन्ने देती है सर कि पुत्र तू बाईस साल तो होना है सानू भी यही मर्जी सब तो पहला गड्डी ले रही यू बाय समथिंग यू डोंट अफोर्ड इट्स अ लाइबिलिटी अगर वो गाड़ी आपको अर्न करके नहीं दे दी वो लाइबिलिटी वो घर जो आपको अर्न करके नहीं दे रहा वो लाइबिलिटी लाइबिलिटी नहीं क्लियर पैसा कमाने निकल गए और कितने परसेंट को आप बता सकते हैं कि क्लियर है बहुत कम लोग हैं बीस बीस साल लोगों ने कारोबार भी किया सर मनी तो की डेफिनेशन मैं बच्चों से पूछता हूं चलो यार पैसे कमाने हैं और सारी दुनिया की दौड़ ही पैसे के पीछे लगी हुई है तो चलो यार है क्या ये चिड़िया दस दस हो रहा ये बड़ा मुश्किल अच्छा इसका जवाब बड़ा सिंपल है इट इज समथिंग यू गेट इन एक्सचेंज ऑफ अ वैल्यूएबल सर्विस और प्रोडक्ट अब ये बच्चा ना वैल्यूएबल सर्विस देने पे काम कर रहा है ना वैल्यूएबल प्रोडक्ट डेवलप करता है ना खुद वैल्यूएबल इंसान है लेकिन ये चाहता क्या है कि मेरे पास पैसे आ जाए मैं अमीर हो जाऊं क्या मत तक नहीं होगा सर होगा ही नहीं कितने इंप्लॉज़ को आप जानते हैं जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ में काम करें जो कि वैल्यूबल एसेट्स ऑफ द कंपनी नहीं है बट वो एक जगह पे फंसे हुए और सारी जिंदगी फंसे रहते हैं लेकिन वो इल्जाम इमरान खान को देंगे अपनी प्रॉब्लम्स का और नवाज शरीफ का कसूर है और सारे फलानों का कसूर है कि हम गरीब रहे और भाई अगर आप गरीब हैं इस इसमें सबसे बड़ा कसूर आपका है क्योंकि आपको पहली बात पता ही नहीं है कि पैसा है क्या पैसा ये आप बता दें कि अगर आप एक्सेलेंस की तरफ जाते हैं किसी भी चीज़ में चाहे वो मैं कहता हूँ पराठे बेचने में आप एक्सलेंट हो जाएं तो मजांग पराठे वाला किसी टॉप कंपनी के सीईओ से ज्यादा पैसे डेली कैश उठाता है सर उसकी प्रोडक्ट एक्सलेंस पे है अच्छा मगर अभी जैसा जिशान भाई जो जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन जा रही है इट सीम्स लाइक जो आपने नंबर वन इशू आइडेंटिफाई किया है मॉडर्न एजुकेशन के साथ है कि वो आपको पैसा बनाना नहीं सिखाती नंबर टू भी है वो आपको आपकी मेंटल हेल्थ मिल के ख़राब कर रहा है बिफोर हम मेंटल हेल्थ की बात करें मैं एक और इसके अंदर चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह अभी आपने कहा कि अगर बंदा ग़रीब है तो उसकी अपनी गलती है टू सम समस्टेंट हम अग्री कर सकते हैं इस पर लोगों को कोशिश करनी चाहिए जद्दोजहद करनी चाहिए मगर बहुत दफ़ा ऐसे सरकम होते हैं जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते और इसके अंदर हम अक्सर इस पॉडकास्ट पर एक डिबेट करते होते हैं कि ठीक है पैसा बनाना ज़रूरी है इस चीज़ पे हम अग्री कर सकते हैं लेकिन क्या एजुकेशन का मकसद सिर्फ ये है कि वो बच्चों को रेडी करे कि वो दुनिया में जाके पैसा कमाए क्या जो फ़लसफा है जो आर्ट्स है जो कल्चर है आपका ये कोई बहुत मोनिटरली रिवॉर्डिंग चीज़ें नहीं हैं मगर ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं एक सिविलाइजेशन के आगे बढ़ने के लिए हम बात करते हैं कि आज अगर इस्लाम सही तरीके से नहीं यूटिलाइज़ हो रहा पाकिस्तान में तो उसकी एक बहुत बड़ी रीज़निंग ये है कि हमने सही तरह स्कॉलर्स ही नहीं कभी प्रोड्यूस किए जिन्होंने बैठ के तहकीक की हो हम अगर वेस्टर्न माशरे को देखते हैं और हम इम्प्रेस होते हैं कि यार चलो टू सम एक्सटेंट उनके जो एथिक्स हैं और उनके मॉरल्स हैं वो भी क्वेश्चनेबल हैं मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ़्लॉलेस हैं लेकिन यू कैन से वो टू सम एक्सटेंट बाकी की दुनिया से थोड़े आगे हैं इस अतबार से, तबार से। वो शायद इसीलिए बेहतर हैं बिकॉज उन्होंने फॉर मनी ईयर्स इन चीज़ों पर भी फोकस की है तोज्जो दी है उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं स्कूल हैं इंस्टीट्यूशनस हैं है, वो बहुत ज़ोर देते हैं फलसफे पे एथिक्स पे फलासफ़ी एंड आर्ट्स और कल्चर के ऊपर और इसने आज उनको एक बहुत बड़ा जॉइंट बना दिया है दुनिया में यानी अगर हम कल्चर की बात करें तो जो सारा कल्चर जो आर्ट हम कंज्यूम करते हैं मजोरिटी वो वेस्ट से आ रही होती है उनकी मूवीज़ देख रहे हैं उनके तरह के कपड़े पहन रहे हैं एंड सो सो ऑन फोर्थ तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल सर देखिए पहली बात तो मैंने जब पैसे की बात किया ना मैंने ये डिफाइन किया कि मेरे पास जो बच्चा आता है उसके दिमाग में ही ये होता है माँ बाप ने इनकल केट ही है, किया हुआ उसकी कंडीशनिंग सोशल है ही ये तो मैंने कहा अगर तो मकसद ये है तो आयरॉनिक बात यह है कि स्कूल में जिस पर्पस के लिए एजुकेशन को लोग लेने आ रहे हैं वो मिल ही नहीं रहा वो मिल ही नहीं रहा यानी आप लेने जा रहे हैं कपड़े और आप जा रहे हैं फल की दुकान पे ऐसे ही आपको चाहिए जिंदगी में कपड़े स्कूल तो आपको नहीं रहा मतलब एक बच्चा जब मुझे कहता है तो मनी को मैंने उस एस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं कि अगर एक पर्पस हमारे दिमागों में डाला ही जाता है कि बेटा अच्छी रिजल्ट आएगा तो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो अच्छी नौकरी पे लगोगे तो वो लगेगी तो पैसे आएंगे पैसे आएंगे तो शादी होगी और फिर जिंदगी सेट हो जाएगी तो उसकी स्किल तो सिखाई नहीं किसी ने पूरे जर्नी में राइट right. और अगले पंद्रह साल भी जाया करा दिए तो ये प्रॉब्लम उस सेंस में है आपने उसको तैयार किया एक मशीन के अंदर एक कॉग बनने के लिए अच्छा मैं इसको कहता हूँ अच्छा नौकर बनाकर स्कूलों में बिल्कुल जो है आपने बात हमारी की हमारी ट्रेनिंग होती है कि अच्छा नौकर कैसे पैदा करना क्योंकि अगेन सिस्टम कहाँ का चल रहा है इंडस्ट्रियल एज को क्या चाहिए थे अच्छे नौकर आप इमेजिन करें उर्दू का वर्ड भी क्या है जॉब के लिए जो आप दूसरा वर्ड यूज करते हैं उर्दू में नौकरी नौकरी अच्छा ये कम्प्लीटली माइंड सेट है गुलामाना ये बहुत बड़ा हम समझते नहीं अगर डीपली सोचें तो आप एक बंदे का माइंड शुरू से एंड तक क्या तैयार करते हैं इवन एम बी ए में क्या हो रहा है यू आर नॉट डेवेलप टू बिकम अ वेरी साउंड ऑनटरप्रनोर यू आर डेवेलप टू बी अ वेरी गुड कॉपरेट स्लेव दैट्स वॉट यू टॉट सुबह टाइम पे आओ असेंबली में खड़े हो क्लास में बात नहीं करनी वो ट्रांसलेट हो जाएगा आगे। आगे। इस अच्छा एक और आपने बात की थी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी और उसमें मैं ऐड करता हूँ एक किताब है उसके अंदर लिखा हुआ है मुझे नाम भूल गया वो कहते हैं कि जी जहाँ पे अथॉरिटी की मैसिव एक रिस्पेक्ट होती है ना कि अथॉरिटी के आगे नहीं बोलना वहाँ पे प्लेन क्रैश ज़्यादा होते हैं ये फैक्ट है कैसे क्योंकि को पायलट जूनियर होता है उसको नज़र आ रहा होता है कि प्लेन लगने लगा है लेकिन उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो कैप्टन के आगे कुछ कहे और अगर कुछ कह दे तो आपको पता है कि पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में प्लेन क्रैशेज़ क्यों ज़्यादा होते हैं अथॉरिटी की एक ब्लाइंड रिस्पेक्ट है चाहे वो गलत करी जा रहा है और ये भी माइंडसेट और स्कूलिंग और सोशल कंडीशनिंग और खबरदार जो मेरे आगे हूं तो प्यों दसेंगा एक लाइन नहीं है हमने सब ने सुनी होगी उन प्यो न दसेंगे की करना है समटाइम्स वालद मोहतरम गलत हो सकते हैं और फिर क्या होता है कि जब हम बाप बनते हैं तो हम अपने बेटों के साथ ऐसे ही होते हैं क्योंकि मेरे साथ यही हुई थी अथॉरिटी की अनड्यू रिस्पेक्ट नहीं हो सकती भाई यू कैन चैलेंज दी अथॉरिटी और ये डालना चाहिए ठीक है दूसरा एस्पेक्ट जो आपने कहा है कि भाई बिल्कुल एजुकेशन का तो कभी मकसद मनी था ही नहीं मैं तो पहले कहा है कि पराठे बेच लें सर पैसा तो उससे भी बनता है बिरयानी बेचें मैं हमेशा कहता हूँ पैसा उससे भी बनता है ठीक है जी शालमी में आप कबाड़िए की दुकान खोल लें पैसा उससे भी बनता है लंडे के कपड़े बेचें पैसा उससे नहीं बनता तो मैं तो पहले कह रहा हूँ कि एजुकेशन का ताल्लुक ही नहीं है कोई दूर दूर तक पैसे कमाने से ये बिल्कुल गलत बिलीफ सिस्टम और एक गलत मैं कहता हूँ इससे लिमिटिंग बिलीफ को साथ जोड़ा ही नहीं आपने गलत बिलीफ जोड़ा हुआ है जिसके ऊपर एक दुनिया चली जा रही है सो चली जा रही है सो चली जा रही है सो चली जा रही है अगर आप ट्रू सेंस में पैसा कमाना चाहते हैं अगर आप अपनी जरूर जरूरियात पूरी करना चाहते हैं और एक अच्छी जॉब पर सारी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं बिल्कुल ठीक है एजुकेशन शायद आपको वो दे देती है एक अच्छी डिग्री टिकोर की तरह है। इस कमरे में अगर डिकोर लगी हुई है तो डिग्री आपकी वो डिकोर होती है आपकी आपकी पर्सनालिटी का एक खूबसूरत हिस्सा है ये आपकी कोर नहीं है कोर में आप इंसान कैसे हैं आपकी वैल्यूज़ कितनी कितने आपके दिल कितना बड़ा आप आ, है आप कितनी पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं आप कैसे रिस्पोंड करते हैं नेगेटिविटी को आप कैसे रिस्पोंड करते हैं सरकमस्टांसिस को जो इर्द गिर्द आपके स्टिमुलस है आप वैसे कैसे करते हैं अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो फिर उस पर बात है कि रसुल्ला वसम के पास कौन सी आज की फॉर्मल एजुकेशन थी उनसे आला इंसान तो दुनिया पर आया ही नहीं है तो वहाँ पर तो सारा नैरेटिव ही ठा करके ज़मीन पर लग जाता वो तो कमाल के ताज़र थे जिसान भाई यहीं पर क्या कहते हैं एक यहीं पर जवाब मिलता हैदर है वाली बात का और वो इंडस्ट्रियल रेवोलूशन के टाइम की जो जॉब क्रिएशन के तरीके से तो उसकी बात कराता है हमने बेसिकली जो पिछले साढ़े चार सौ पाँच सौ साल में इस्लामी इस्काली वर्क में कोई मेजर काम नहीं हुआ हमने जितने भी हमारी सल्तनतें थी, थी उस टाइम की उन्होंने आइडियाज़ इंपोर्ट करके उनको ट्विक करके अप्लाई करते गए उससे नेगेटिवली हुआ क्या कि हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग गेम में चले गए कि रूल्स किसी और ने बनाए हैं उनके मेट्रिक्स में हमने पूरा उतरना है लेकिन हमें एक चीज़ होल्ड बैक करती है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर सूद इस्लाम में हराम ना हो और आपको अलाउड हो सूद को एज़ अ टूल ऑफ बिज़नेस इस्तेमाल करना तो ऑल ऑफ़ सडन यहाँ पे डबलिंग इनसेन हो जाए अगर यहाँ पे हलाल हराम कारोबार का फ़र्क ना हो और आपको पता है कि आप लकर प्रोड्यूस करके दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोटर ऑफ लिकर जो इंडिया है वहाँ भेज सकते हैं तो पाकिस्तान ऑलेंड बड़ा प्रॉफिटेबल हो जाता है मसला यहाँ पे यह आता है कि एक री रिक्वायर्ड है जितने भी लोग अभी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें हम लोग भी जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके हमें इमीडिएट टेप वाले सोलूशन टेप वाले सोल्यूशन उसको तो तो कहते हैं दीवार में क्रैक आ गया टेप ला दो क्रैक वही है लेकिन साउंड नज़र नहीं आ रहा जो टेप वाले सोल्यूशन हैं वो नहीं इस्तेमाल हो सकते एक जनरेशन को अपना फुट पुट डाउन करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा नहीं जिंदगी ऐसे नहीं हो सकती अगर आप हज़त का एडवेंट भी देखें सऊदी अरेबिया वाले रीजन के अंदर तो एक पूरी जनरेशन ने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने कहा दुनिया ऐसे नहीं चल सकती आप किसी भी नबी की या कोई भी ग्रेट मेजर पॉलिटिकल मूवमेंट देखें तो वो ऐसे ही होता है हमारे दौर में पाकिस्तान में हम सब ने मुशरफ़ का टाइम देखा एक्टिवली जो हमें याद हो समझ हो मुशरफ़ का टाइम देखा फिर हमने जरदारी साहब का देखा फिर हमने नवाज शरीफ का देखा, फिर हमने इमरान खान का देखा तो हम तो यही चार का नेगेटिव कम्पेयर कर सकते हैं इन चारों के अंदर से पर्टिकुलरली एजुकेशन और मनी मेकिंग पे किसी का मेजर विजन था ही नहीं इमरान खान ने एक सॉर्ट ऑफ अटेम्प्ट ज़रूर की थी कि यूनिफॉर्म करिकुलम हो जाए लेकिन वो भी करेक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि प्रॉब्लम यूनिफॉर्म या इंडिपेंडेंट uh, करिकुलम की नहीं है प्रॉब्लम ये है कि आप नौकर दर नौकर बनाई जा रहे हो सर आप बड़ा दिमाग क्रिएट नहीं कर रहे ना आप डीप थॉट प्रोसेस को अप्रिशिएट करते ही नहीं है किसी लेवल के ऊपर आप बच्चे को कहते हैं जो किताब में लिखा है इसके अलावा और हम हम भी मजबूर हैं ए लेवल पढ़ा रहे हैं टाइम इतना छोटा है अभी तो हमने आई के अंदर आमतौर पर तीन घंटे थेरी होती है एक घंटे प्रैक्टिकल आई में चार घंटे रखे गए हैं कि भाई सब्जेक्ट तो अलावा भी कोई गल कर लो ठीक है एक टीचर का काम सिर्फ ये नहीं है कि उसने सब्जेक्ट पढ़ाना है काम ये भी है कि भाई तुम्हें एक बंदे का पुत्र बनाना है जिस जिस दुनिया में तुमने जाना है तो हम बिट्स एंड पीसेस में एक हफ्ते में हर क्लास पे कोशिश करते हैं कि उसके बारे में भी बात हो भाई ये हो गया सब्जेक्ट ये ज़रा दस मिनट की ये भी बात लेकिन इस चीज़ की आपको पहले स्कूलों में जा पहले नहीं स्कूलों में नहीं थी जी उस पर तो बुला के कहा जाता था कि आपका काम है फिज़िक्स पढ़ाना आप फिज़िक्स पढ़ाएं और आप काइंडली रिलीजन की भी बात ना करें और, और मनी की भी बात आपको लगता है कि एक ये तो एक सर्टेन अमाउंट अब हम स्पेसिफिकली अच्छा क्योंकि स्टूडेंट को ले लिया गया एक और प्रॉब्लम है कुछ प्राइवेट स्कूल्स में स्टूडेंट को क्लाइंट समझा स्कूल मौजूद में आने की एक वजह है क्योंकि ये कुछ उन लोगों ने बुलाया जो पंद्रह साल से एक एजुकेशन इंडस्ट्री में थे और उसके प्रॉब्लम्स को देख रहे थे ये अब आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्कूल ही है इसका नाम उसके पीछे एक विजन वाकई है जारी बात है परफेक्शन नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा सेटअप खोलना फिर उसके अंदर हमें बहुत स्पीड पर रिस्पॉन्स आया उसको मैनेज करना बट एक बहुत क्लैरिटी है क्या हमें आपको सच बोलने से रोकता नहीं है राइट बाकी स्कूल्स और स्कूल्स के एडमिनिस्ट्रेशन में टीचर को सच बोलने की इजाज़त नहीं है सर टीचर का काम है सब्जेक्ट पढ़ाओ बेटा ए और ए स्टार लाओ इंसान बनाने की ज़रूरत नहीं है क्या आपको स्कूल के अंदर चीज़ें हो रही हैं अपने स्कूल के अंदर उसकी क्रिटिसिज्म की इजाज़त है एज ए टीचर लगे कोई चीज़ बताते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है और ये नहीं है ओके okay. बिल्कुल। वाई ड्यू थिंक ये डिफरेंस आया है यानी कि इंटरनेशनल स्कूल की पहले भी आप तारीफ़ कर रहे थे कि वहाँ पर आपको जाके फील हुआ है कि एक फ्रीडम है आपके पास टू रियली इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स उनकी yes. थोड़ी ज़्यादा yes. तो एक इस माशरे का अलमिया ये है जी जी कि यहाँ पे उस्ताद की इज़्ज़त नहीं है यहाँ पे आप कहें ना मैं टीचर हूँ तो आपको रिश्ता नहीं देता कोई ये इतना गिराव माशरा हो चुका है माशरे बेस करते थे उसदों के ऊपर यहाँ पे आज अगर आपका बच्चा कहता है कि अब मैंने बड़े हो गए टीचर बनना है तो आप कहते हो पागल हो गए तो इतनी इज्जत तो पेरेंट्स करते हैं टीचर की सॉरी तो फिर बच्चा भी उतनी कोई इज्जत करेगा और जब आप अपनी बेटी का रिश्ता टीचर को सर मेरे साथ ये हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ और अल्फाज पता है क्या मास्टर ही है।, <laughs> <laughs> है एक मास्टर तो मौलवी लॉजिक <laughs> इधर तो शादी नहीं होती डेडली कॉम्बिनेशन ये दो मीम है ठीक <laughs> है हम उस्ताद को इज्जत नहीं देते फिर हम उस्ताद को इतने पैसे भी नहीं देते नॉर्मल आप मेरे से गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात करें एक यू के प्रोफेसर की बात करें सर आप मेरे साथ वो अपने बच्चों वो अपने घर का एक्सपेंस पूरा नहीं कर सकता वो अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता वो अच्छी गाड़ी नहीं चला सकता तो आपको क्या लगता है कि उसके पास टाइम है कुछ और सोचने का वो अपना एंड जी मीट नहीं कर रहा तो एफर्ट भी नहीं कर सकता सर आप बताएं कि जिन लोगों को हम कहते हैं कि यार यहाँ की बड़ी एजुकेशन है वहाँ के जरा उस्तादों को उठाएं उनको पर्कस क्या हासिल हैं उनको कहा यह बताता है कि आपका काम है रिसर्च करना और सोचना आप थॉट जनरेट करते हैं उनको इन चीज़ों की टेंशन थोड़ी दी जाती है ठीक है चलिए हम ए लेवल में बात कर लेते हैं क्रॉस बोर्ड एक ही रूल है कि ए लेवल जो विजिटिंग टीचर है ना जी उसको मिलेगी साढ़े दस ग्यारह महीने की तनख्वाह एक महीना वो वेला फिरेगा अगले साल फिर उसको कहेंगे कि हाँ जी आपने अच्छा पढ़ाया था पिछले साल तो अब आप आके दोबारा पढ़ा लें लेकिन एक महीना वो हर मिसाल उस इन सिक्योरिटी से गुजरेगा पाकिस्तान में टीचर्स के जीरो पॉ है ना पेट्रोल मिलेगा ना उनको गाड़ी मिलेगी ना उनको हाउस रेंट मिलेगा ठीक है एक सेक्शन का रेट तय हो गया जितने सेक्शन आप पढ़ा रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई दैट दैट्स इट ठीक हो गया कोई ग्रेजुटी नहीं है कोई जीपी फंड नहीं है कोई कोई पेंशन नहीं कुछ नहीं है ये है टीचर और जिसको आप पेंशन देते हैं उसकी तनख्वाह सारी जिंदगी इतनी कम रखते हैं कि वो इसी स्ट्रेस में रहता है ये स्ट्रेस ज़्यादा आदमी कुछ और सोच सकता आप मुझे खुद बता दें यानी कि जो, जो स... कुछ सिखा सकता है बिल्कुल नहीं उसको खुद कॉम्प्लेक्स है अब आप इमेजिन करें एक उस्ताद को अगर ब्रांड्स का कॉम्प्लेक्स है अमीर होने का कॉम्प्लेक्स है वो बच्चों में क्या डालना है मैं थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें कर रहा हूँ बट वो बच्चों में क्या डालेगा वही कॉम्प्लेक्स डालेगा वही कॉम्प्लेक्स डालेगा जैसे हमने कहा कि अगर वालदा खुद स्ट्रेस्ड आउट है तो वो बच्चे को भी स्ट्रेस्ड आउट कर देगी ना अगर खुद स्टैंडर्ड्स आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप बच्चों में भी वही इंकल्केट करोगे तो जब उस्ताद के साथ भी यही मामला होगा ठीक है तो वो क्या करेगा तो ये प्रॉब्लम बहुत डीप है एक तरफ एक कुछ एजुकेशन सिस्टम्स हैं जो वाकई उस्तादों को एक अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं लेकिन और उनका एक लाइफस्टाइल है राइट वो अच्छी गाड़ी भी चला सकते हैं उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल्स में जाते हैं वो ट्रैवल भी कर सकते हैं वो तीन ढाई महीने ऑफ भी लेते हैं हमें ढाई महीने ऑफ है कोई टेंशन नहीं है जी लेकिन कुछ इनसिक्योरिटीज भी आप उनको दे रहे हैं कुछ यहाँ पे इतना रूथलेस है ए लेवल का प्रोफेशन कि जिस दिन आपसे बच्चे ने आके कह दिया ना कि हम सर से खुश नहीं है अगले दिन आप हार गए यहाँ पे ना एक इनसिक्योर तो शख्स बच्चों में सिक्योरिटी इंकल्केट नहीं करेगा एक कॉम्प्लेक्स शख्स हाँ बच्चों में सेल्फ बिलीफ नहीं डाल देगा इंप्रेस होना खत्म नहीं कर देगा जब उस्ताद समझेगा ये टीचर है बंदा ये ए लेवल पढ़ाता है जब वो समझेगा कि यार मेरी इज्जत तो Gucci का जूता पहन के होगी तो फिर बच्चा भी कहेगा कि ठीक है इज्जत गुची के जूते में होती है और अगर यही काम बाप करेगा तो बेटा यही सीखेगा कि अच्छा इसी में होता है अगर यही काम माँ करेगी तो हम सब इसमें सर कसूरवा रहे हैं यहाँ पे एक बच्चे के साथ करने में मैं इसको कहता ताबें यहाँ पर ना एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए ताकि ऑडियंस को तो क्लियर हो जाए ये कतन उन स्कूलों की बात नहीं है जो प्रॉफिटेबल नहीं है सरकारी स्कूल ये हम उन स्कूलों की बात कर रहे हैं जहाँ पे सालाना प्रॉफिटेबिलिटी करोड़ों और शायद अरबों में है यानी कि ऐसे नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं हैं ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए क्योंकि मेरा हमेशा एक गिला होता था और एक घटिया मजाक हम करते थे एज्सन जाने की वजह से कि ये कोठी वाले स्कूल हैं वो हम इस बुनियाद पे करते थे कर हम देखते थे कि यार फीसें इनकी एज्सन से ज़्यादा हैं ठीक है सर आप, आप एचसन से से की बात कर लें आपको पता है एच का टीचर रुल गया मैं वो कम्पीट करता हूँ बात फ़ीसें इनकी एट्सन से ज़्यादा हैं लेकिन इनके स्कूल्स वर्चुअली मैक्सिमाइज्ड फॉर प्रॉफिट बने हुए हैं लाइक मैं स्कूल के वो एग्जैक्ट मिसाल देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एल जी डिफेंस फेज़ वन एक कोठी के अंदर बना हुआ है जो मेरे कहते हैं आठ कनाल पे है टोटल साइज़ उसके अंदर गालबन को 600 700 800 यंग लड़कियां जिन्होंने कल फील्ड में आके काम करना है माएँ बनना है पेरेंटें कहनी पे है वहाँ पर पढ़ती हैं उनके पास वर्चुअली कोई घास वाली जगह नहीं है उसमें वो ग्रीनरी नहीं व्यू कर सकते उनके पास खेलने की कोई जगह नहीं है अगर उन्होंने प्ले परफॉर्म करना है वो जगह नहीं एग्जिस्ट करती और वो बिल्डिंग ऐसे मल्टीपल टीयड प्रिजन तकरीबन लग रहा होता है अगर आप देखें दूर से और उसमें दे सिर्फ सर बीन देर तो एक प्रिजन <laughs> लगता है अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ठीक है प्राइवेट एंटिटी के अपने कुछ राइट्स होते हैं वो ऑपरेट करे क्या सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई हुई इन्फोर्स करने की कि एक सर्टन स्टैंडर्ड आपने लोगों को फ्राहम करना है एक प्ले एरिया बना के देने कुछ फैसिलिटीज अदर देन जो हम बात करते हैं क्रिएटिव साइड लोगों की इंटाइस करने के लिए क्रिएट करनी है अब एक स्कूल अरबों रुपए साल का कमा रहे हैं ये बेहूदा पैसे हैं तो वो उस तरह री इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता बल्कि एक स्कूल नहीं, है। करता है वो और ब्रांचेस खोलता है ना ऐसे तो ना। नहीं नहीं <laughs> वो तो पैसा मल्टीप्लायर हो गया ना सर लेकिन अपनी इनहेरेंट देखो एक स्कूल की कमोडिटी जो एक्चुअल मनी मेकर है वो टीचर है लोग टीचर के पीछे स्कूल चेंज करते हैं। बहुत सारे ये भी पूरी बात नहीं है सर एल जी एस डिफेंस फेज वन में किसको पता है कौन टीचर बताते हैं इट इज एल जी एस फेज वन सर ये एक स्टेटस सिंबल है ओके okay. सी बात है, है।, है। चले आपकी एल जी एस फेज वन में थी मेरी बड़ी बाइट एल जी एस फेज वन से पढ़ी ऐसा ही है बट वो था कि हाँ यार वहां के टीचर्स अच्छे हैं और नाम बड़ा है बट वो आपके भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं और मेरे भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं कि अंदर जाके माशाल्लाह मिलता क्या है नहीं मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मेरी बहन ने क्लास एट में हिजाब करना शुरू कर दिया था अपनी मर्जी से हमारी अम्मी दुबट्टा करती थी जैसे पाकिस्तानी माएँ दुबट्टा करती हैं पर प्रॉपर हिजाब नहीं करती थी मेरी बहन लायक थी खासी काबिल थी और सिगरेट्स भी बहुत अच्छे थे हर चीज़ में वेल परफॉर्मर थी तो उसका इंटरव्यू था हेड गर्ल बनने के लिए मैं से पहले एक सिलेक्शन होती है काउंसिल में से और में से कुछ लोग बनते हैं एग्जैक्ट प्रोसीजर मुझे पता नहीं है उसके इंटरव्यू के अंदर उसको पॉइंट ब्लैंक स्कूल के एक डायरेक्टर ने कहा था कि आप हिजाब उतार दें आपको सुपर हेड गर्ल बना देते हैं और हम स्कूल से वापस आए तो हमारी बहन आगे रो रही थी खास परेशान थी ज़रा एक बच्चे ने पता नहीं क्या क्या ख्वाब सोचे होते हैं कि यार मैं ये करूँगी तो यूँ होगा यूँ करूँ तो वो होगा उसको था कि अगर मैं हेड गर्ल बनती हूँ तो मेरा येल में दाखिला हो जाएगा या हारवर्ड में दाखिला हो जाएगा तो हमारे वालदेन और हमारे लिए बड़ा शौकिनंग था कि पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान क्या दुनिया में किसी भी माशरे में किसी की मेरिट को छोड़ के उसकी पर्सनल अपेयरेंस के ऊपर कि वो क्या पहनती है जैसा एक पूरी मुहिम चली हुई है पाकिस्तान में औरत मार्च के नाम पे कि औरतों को हक है वो जो मर्जी पहने और एक इलीट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आज से कई साल पहले उसके बरक्स बात कर रहा है कि आप दीनी लिबादा नहीं ओढ़ सकते बेशक आप जिस तरह मर्ज़ी के भी फाश कपड़े हमारा से जो है ना वो बड़ा बाइसस्ट है ऐसे ही मैंने जब दाढ़ी रखी तो तब भी ये प्रॉब्लम आया कि सेकुलरिज्म में बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं सिर्फ दीन पे अमल नहीं आप कर सकते क्योंकि सेकुलरिज्म खुद एक दीन है आप जब उस दीन के असूल तोड़ते हैं तो वो प्रॉब्लम बन जाती है ठीक है तो वो और ये वाला सेकुलरिज्म जो है ना ये माशाल्लाह कुछ प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज्यादा है और इसी तरह के कुछ इंसिडेंट्स आए कि मेरे पास स्टूडेंट आए हैं और उन्होंने जिस इदारे का आप नाम ले रहे हैं उन्होंने कहा कि जी हमें ये कहा गया है कि नमाज आप नहीं पढ़ सकते क्या काम है वट इज दिस आप समझ रहे हैं तो फिर शलवार कमीज पहनने पे बैन हुआ। मोस्ट प्राइवेट स्कूल इन लाहौर ने इस बात पे इशू बनाया कि आपने मेरे साथ क्या आप शलवार कमीज क्यों पहनते मेरे भाई ने एक पूरी जंग लड़ी और वो तो एज ए रिबेल रोज शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहन के जाता है कि मैं तो पहनूंगा ठीक है आपसे जो होता है वो आप कटें कर कुछ हैं ऑब्वियसली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इस बात को समझते हैं अगेन प्राइवेट स्कूल्स में कुछ लोगों ने यह समझ लिया है कि जस्ट बिकॉज हमारे टॉप के बच्चों के एडमिशन बाहर के टॉप के इधारों में होते हैं ये हमें इस बात का राइट right दे देती है कि हम किसी की भी पर्सनल चॉइस के अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस आज भी शलवार कमीज़ है लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इसको पहनना को बहुत अच्छी बात मोस्टली नहीं समझी जाती राइट right? प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एल के अंदर प्रॉपर प्रेयर रूम्स है और प्रेयर ब्रेक है जोर की नमाज एक बज के पैतीस मिनट है, है तो डेढ़ से तो ब्रेक होती है पहले जितने स्कूल्स में मैंने काम किया ही कोई नहीं है जुम्मा आए हैं जुम्मे के टाइम पे क्या है क्या करो क्लास पढ़ाओ ओ ओ भाई क्या आप बच्चे अच्छा आपसे ये डिमांड कर... भी हुई सर छोड़ दें आप क्या क्या डिमांड्स हैं उस पर मैं जितनी डिटेल आप मेरे से पूछते जाए मैं देता जाता हूँ आपको बिकॉज़ आप अपने बच्चे को बेसिकली कुछ या मोस्ट प्राइवेट स्कूल्स और स्लॉटर हाउसेज या आपके बिलीफ सिस्टम्स का आपकी आइडेंटिटी का आपके कॉन्फिडेंस का आप कौन है कौन नहीं है आपने जिंदगी में क्या करना है इसका पूरा स्लॉटर करते हैं और ए लेवल्स के बाद आपको एक कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी क्राइसिस में मरा हुआ डायरेक्शनलेस बच्चा निकाल के देते हैं जिसको पेरेंट्स समझते हैं क्योंकि हाँ ऐसे सेट ऑफ पेरेंट्स भी हैं जी हमारा बच्चा एचसन जाता है ये एक शोखी भी है ना नहीं ये क्लेम 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 है ये ये है है ये, है। ये है। हमारी बेटी फेज वन जाती है हमारी बेटी कॉन्वेंट जाती है हमारे बच्चे एल जी एस जेटी जाते हैं हमारे बच्चे रूट्स जाते हैं ये माओ ने भी बैठ के बताना होता है एचसन कॉलेज के अंदर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि फिफ्टी परसेंट ओए लेवल का बच्चा मेंटल पेशेंट है या बन जाएगा क्योंकि जो रेस और कॉम्पिटिशन उधर लगा हुआ है कि अगर आप यूर नॉट द बेस्ट एट समथिंग आप हैं ही कुछ नहीं और आपके अबू जितने बड़े आप भी उतने बड़े डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि वो आके रोते हैं और कुछ कुछ आप आपको मैं बता देता हूं मेरे पिछले बारह तेरह साल के अंदर कितने बच्चे मैंने सुसाइड करते देख ली हैं ये एक अलार्मिंग बात है आज के दौर में सोलह सतराह साल के बच्चों सर सोलह सत्रह अठारह साल का बच्चा पंद्रह साल का चौदह साल का बच्चा के कह रहे है सब कुछ है।, है सब कुछ है जिसको आप दुनियावी एस्पेक्ट में कहते हैं ना चीजें पूरी गाड़ी है घर है माल है प्ले स्टेशन फाइव है सब कुछ पी एस फोर पी एस फाइव है अच्छा मोबाइल है आईफोन फोर्टीन पकड़ा हुआ है बच्चा डिप्रेस्ड है तो मुबारक हो मां-बाप को और मुबारक हो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कि ये ये बाय प्रोडक्ट है उनका पहले भी एक इनहेरेंट प्रॉब्लम का है पहले भी आप जिक्र कर रहे थे कि पहली जो एक आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कि उनका तवज्जो शायद सही जगह पे नहीं होता इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन दूसरी चीज आप कह रहे थे वो मेंटल हेल्थ की ही आप बात करना चाह रहे थे तो अभी आपको क्या लगता है कि स्कूल्स इक्विप्ड हैं प्रॉपरली बच्चों की सर, हेल्थ के साथ तो, थोड़े टाइम से कुछ स्कूल्स ने जैसे मैं एल जी एस पैरागॉन पढ़ाता था तो एल जी एस पैरागॉन ने एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट रखा हुआ था जैसे ही बच्चे को कोई आए तो वो बात कर सके कोई काउंसलर हो उसके पास स्कूल्स अब काउंसलर्स रख रहे हैं बट मैं मैं बात कर रहा हूँ एपिसेंटर से उसको सॉल्व करने की ये कोई हल नहीं है ये वो बात है कि वो पाकिस्तान में कैंसर अगर बढ़ता जा रहा है तो नहीं जी हमारे पास अच्छे ऑनकोलॉजिस्ट हैं और पाइजन कैंसर क्यों बद रहे हैं सवाल तो ये है ना प्रॉब्लम जड़ से उसके ऊपर बात होना आज अगर हम बात भी करते हैं और सोल्यूशंस की तरफ भी आते हैं जो मैं आइडेंटिफाई कर पाया हूँ अब तक नंबर वन कि हमें एपिसेंटर पकड़ना कि बच्चे में किस पॉइंट में जाके ये चीज़ डेवलप होना शुरू होती है और वो यहाँ पर पहुँच जाता है और उसको हम कहाँ कहाँ पे रोक सकते हैं कम कर सकते हैं गाइड कर सकते हैं क्या कुछ कर सकते हैं ये एक अलग पार्ट है। लेकिन सर एक गरीब का बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल चला जाएगा उसके बाप ने मेहनत करके फीस अफोर्ड कर ही ली है आपको पता है वो जाके वहाँ पे पागल हो जाएगा हम्म अच्छा उसमें फनी बात बताऊँ वहाँ का बच्चा ही उसको पागल करता तुम तो पेंडू हो तुम तो फलाने हो तुम तो टेंगने हो तुम्हारे अबू वो बाइक पे आते हैं तुम्हारे अबू के वहाँ मेहरान है ओए तुम गड़ी रहते हो रोज का ये बुले पाना राइट लोग देखेंगे इस नजर से उससे पहले एक और बात पे आता हूं कि प्राइवेट स्कूल्स तब तक बंद नहीं होंगे आप कह रहे थे ना गवर्नमेंट क्या कर रही है एजुकेशन के लिए और सर गवर्नमेंट ने की करना है गवर्नमेंट ने तो पढ़ाना ही अपने बच्चे उस प्राइवेट स्कूल ने जो गवर्नमेंट ऑफिसर साहब के बच्चे कितने पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे गल करो बड़े बड़े

मिनिस्टर्स हैं बड़ी बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट में हैं बच्चे ड्रग अब्यूज में हैं सर आप छोड़ दें एक बच्चा ओ लेवल से ए लेवल तक ऑन एवरेज ऑन एवरेज एवरेजेंट बच्चा एक से दो ब्रेकअप्स और हार्ट ब्रेक से गुजर लेता है लाइक रिलेशनशिप्स के जी, तो जी 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 लेट्स एड्रेस द द एलिफेंट इन हाउस क्यों नहीं बात हो रही इस पर माँ बाप इसको टबू टॉपिक समझते हैं माँ बाप इस बारे में बात नहीं करना चाहते टीचर्स भी इस बारे में बात नहीं करना चाहते एक तो माँ बाप को भी नहीं पता इस इशू को डील कैसे करते हैं टीचर्स को भी नहीं पता माशाला भी नहीं पता अगर नहीं करेंगे, प्रॉब्लम तो कौन प्रॉब्लम डील इसका सोल्यूशन मौजूद है तो मैं पिछले आई थिंक कई सालों से इसके बारे में पहले ही बात करता हूँ सोल्यूशन इसका आपके सतर से बड़े ख्याल क्या था पहला सोल्यूशन ये है कि वाले बात करें बच्चों से उनको कहने दें चाहे वो आपके बिलीफ सिस्टम से कम्युनिकेशन गैप है घरों में पहला बिकॉज बच्चा सबसे ज्यादा ट्रस्ट ना टीचर को करेगा ना किसी और को करेगा वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट अपने माँ बाप पर करेगा लेकिन अगर वो माँ बाप से फियरफुल होगा वो उनसे बात नहीं करेगा अगर आप लोग कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं कर सकते तो वाकई किसी सर्टिफाइड काउंसलर के पास आपके बच्चे को बात करनी चाहिए बिकॉज वो जो जहर उसके अंदर है वो उसको खा जाएगा मेंटल हेल्थ एक दिन में खराब नहीं होती सर सालों लगते हैं खराब होने में और कुछ महीने लगते हैं उसको ठीक करने में एटलीस्ट एक दिन का काम नहीं होता ये अगर प्रॉब्लम छोटी है अगर डीप रूटेड डीप रूटेड जीरो टू तो तो सेवन वाले टाइम की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उस तक पहुंचना बड़ा टाइम लगता है नहीं अच्छा एनएलपी इसीलिए मुझे पसंद है एनएलपी आपको तीन घंटे में वहां पहुंचा देती तीन सेशन में डीपेस्ट रूट कॉस्ट इसीलिए ये कमाल की टेक्निक और इसको मैं प्रसू इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत क्विक है मैंने शुरू में भी कहा था इट्स द क्विकेस्ट वे टू हील साम सो लाइक अगर एक बच्चा आपके पास आता है और वो डिप्रेस है डिप्रेशन का शिकार है तो एक एन के तहत आप क्या स्टेप्स लेंगे फॉर एग्जाम्पल एन के अंदर एक एक मैथडिस्ट को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोलूशन एक बच्चा कन्फ्यूज है मैं ये करूँ ये करूँ okay. ये करूंगा तो ये होगा ये करूँगा तो ये होगा और उस पर और उस पर वो रहता है स्टक अब स्टक रहना इज ऑपोजिट ऑफ ग्रोथ साइंस ही प्रूव करती है और और भी चीज़ें प्रूव करती है किताबें पढ़ लें कि हैप्पीनेस का ताल्लुक जिसको हम हैप्पीनेस कहते हैं उसका ताल्लुक ग्रोथ से होता है जब आप स्टक हो गए तो दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ हैप्पीनेस अब वो बच्चा खुश ही नहीं है वो बिल्कुल सारा कुछ है वो खुश क्यों नहीं है क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पा रहा ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा वही जगह पर है स्टक क्यों है क्योंकि वहाँ पर उसका कॉन्फ्लिक्ट फंसा हुआ है अगर आप उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दें एनएलपी आपका कर देगा राइट अच्छा एक है कि बच्चे को एक बार बार बुरी मेमोरीज आती है एक एग्जांपल है ब्रेकअप हुआ बच्चा उसी के अंदर गमजदा गाने जगजीत सिंह थे आपदा प्रवीण खोल के बह गया है उनका डीच लाए इन्हें सुबह दोपहर शाम रात उसको वो नजर आ रही है उसको वो नजर आ रहा है, है आप हो ये ये बातें मजाक कर ठीक गया तो ये अब सारे ये गमजदा अशक बन के फिर रहे हैं ना इनको होश है पढ़ाई की ना इनको होश है किसी और चीज की माँ बाप के आगे बस जीजी कर रहे हैं खाना खा रहे हैं और कमरा बंद है अच्छा अब हर बच्चा इसकी इंटेंसिटी डिफरेंट तरह फील कर राइट right? अब उसको जो मेमरीज आ रही हैं आपको पता है कि डायरेक्ट मेथड है जिसके थ्रू आप उसकी मेमरीज इरेज कर सकते हैं जो उसको याद करना भी चाहे तो नहीं आएंगी इतनी ब्लर्ड हो जाएंगी सॉरी एसन मैं रिपीट करता हूं कॉज ये बात आपने एक फ्लो में कह दी पर लोगों की अंडरस्टैंडिंग मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट से कि मुझे बचपन में बहुत मार पड़ी थी uh, मेरे वालद से लेट से और वो हाईली ट्रोमेटिक है मेरे लिए और वो मेरा आउटलुक शेप करता है चीज़ों पर उस पर्टिकुलर ट्रॉमा को ओवरकम करने के लिए एक पोटेंशियल है एनएलपी में कि आप उस मेमोरी को फाज आउट कर सकते हो कंप्लीटली रिमूव तो जाए नहीं कैसे उसको ब्लर आउट कर सकते ब्लर आउट कर सकते हो उससे अच्छा एक होता है इंसिडेंट एक होता है मेमरीज के साथ अटैच इमोशन पहला स्टेप है आप मेमरी से इमोशन अलग कर देते ओके दूसरा है कि आप मेमरी को ब्लर आउट कर देते हो ब्लर आउट ब्लर आउट कि वो खत्म ही हो गई है मतलब लाल आउट ये होता है कि हम सोचते ऐसे हैं पिक्चर्स और मूवीज की फॉर्म में जब हम इमेजिनेशन की दुनिया आपके दिमाग को नहीं पता कि आंखें खुली हैं या बंद हैं आपके दिमाग को इसका डिफरेंस नहीं पता आपके दिमाग के लिए इमेजिनेशन में सोचा हुआ इमेज और आंखें खोल के देखा हुआ इमेज इक्विवलेंट हैसियत रखता है ठीक हो गया अब आप उसकी आंखें बंद कराते हो आप कहते हो उस इमेज को सामने लाओ वो उस इमेज को सामने लाता है उसके साथ उसका इमोशन है उसकी आपको एज अ ट्रेंड जब आप होते हो आपको उसकी बातों से और उसकी बॉडी लैंग्वेज से बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये वो इमेज कितना क्लियर हो चुका है दिमाग राइट ठीक हो गया फिर उसके डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप उस इमेज को ब्लर कैसे करते और उसके टेस्ट हैं फिर कि क्या इसका इमेज हो गया वो आपको खुद बताएंगे कि मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं मुझे नहीं आ रहा वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा वो इतनी पेन नहीं हो रही अब सोच के क्योंकि आधी पेन पता क्या है सर इंसिडेंट एक दफ़ा हुआ होता है इसकी मिसाल यह कि फॉर एक्जाम्पल मेरे बेटे की डेथ होगी जब जब मैं उसके दफनाने के इमेज को सामने लाता जाऊँगा और जितना क्लैरिटी से लाता जाऊँगा मेरा मोशन पेन का उतना स्ट्रॉन्ग होता है अगेन आप बड़ी स्पीड से एक बड़ी हैवी बात कर जाते हैं डायबॉडीज में जाऊँग झिशान भाई का जो बेटा था अल्लाह को प्यारा हो गया और वो खुद एक बड़े पर्सनल ट्रामा के थ्रू गुजरे थे और अल्लाह किसी भी माँ बाप को एक तो इसमें से गुजारे ना अपनी औलाद को दफनाने के तो बेसिकली ये चीज़ें आपने पहले ख़ुद अपने पे भी इस्तेमाल की मैं आपकी पर्सनल ग्रोथ के अंदर इस्तेमाल हुई थी सर मेरी वालदा पाँच साल आ, पहले तो ज़िंदगी में उन्होंने एंगजाइटी को देखा फिर उन्होंने पाँच साल साइकोसिस को देखा साइकोसिस क्या होता है होता है कि लिक आपको इस तरह समझ लें कि आप साइकोलॉजिकली थोड़े से हिल जाते हैं रियलिटी आपको नहीं लगती कभी आप बिल्कुल डीप डाउन डिप्रेशन में होते हैं जैसे वह ऐसी बातें भी करती थी एक टाइम के ऊपर कि हम सब ने एक दिन मर जाना मैं बता रही हूँ ये हो जाएगा शी इज़ अ कॉम्पिटेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स अच्छा बच्चों की डॉक्टर है like है। हैं और बहुत लाइक डॉक्टर हैं जिनकी अपनी एम में डिस्टिंगशनज हैं और जिन्होंने एम डी यू सब किया हुआ है राइट right? लेकिन जब जिंदगी में आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते ठीक है बिकॉज उनकी भी मुझे समझ आती थी कि शी किसी अ वर्किंग उम्मन प्लस एक ससुराल प्लस तीन बच्चे प्लस पढ़ाई तो उन्होंने अपने आप को ओवरबर्डन ओवरबर्डन किया था। किया हुआ था और कहीं ना कहीं उनको लैक ऑफ सपोर्ट भी शायद फील होता था जो भी था बट एक टाइम पे उनका वो ट्रिगर हो गया ठीक हो गया और एकदम आप फिर बिल्कुल ये एक अजीब और इसका गट के साथ भी एक कनेक्शन होता है बहरहाल उनका क्लिनिकल था ये यह इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रामा एंड क्लिनिकल डिप्रेशन क्लिनिकली डिप्रेशन को डॉक्टर्स डील करते हैं और उसके बाद उसका फिजियोलॉजी का काम होता है उसका और काम है उसकी दवाइयाँ भी वहाँ पे उस केस में हम एन में कोई दवाई यूज नहीं करते हम कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं देंगे हम सिर्फ टेक्निक अप्लाई करेंगे इंसान की साइकोलॉजी और उस जिस तरह वो सोचने का तरीका और वो प्रूवन टेक्निक्स हैं राइट हम उसके थ्रू उसको हील करेंगे हम दवाइयाँ नहीं देते ठीक हो गया और शायद मुझे उधर होता क्योंकि वो देखे ना एक होता है फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है कि हम दो में डिबेट से वापस आ रहे थे डेबू की बस थी जी के में डिबेट्स थी तो हम बड़े खुश रनर्स अप थे चलो जीते तो रही लेकिन अब आ रहे हैं वो डेबू की बस में रात को एक बजे डेवू हिट हो गई एक वाटर टैंकर को तो मेरे सामने ड्राइवर भी फौत हो गया हॉस्टल्स भी फौत हो गई और एक और बंदा भी फौत हो गया अब वो दैट वाज वेरी फॉर मी अब होता यह कहा कि जब मैं मोटरवे पर जाता था तो मुझे हर डेबू बस देख के वो इंसडेंट याद आया था नाउ आई वॉज एंकर्ड टू दैट दैट वॉज माई ट्रिगर सो अगर आपका वो ट्रिगर रिमूव कर दिया जाए तो अब आपकी पेन कम होगी एन एल बी करेगा अगर वो इंसिडेंट की पिक्चर और मूवी ब्लर कर दी जाए तो आप उतना सोच ही नहीं सकते तो वो खत्म उससे इमोशन डिटैच कर दिए ये yes, आपकी हैबिट्स हैं गलत हैबिट्स हैं देखिए हमारी लाइफ आउटकम ऑफ हैबिट्स है

इसको आप किस तरह इन प्रैक्टिस किस तरह करते हैं इंटरेस्टिस भी एक पार्ट है लेकिन अभी मैं हेप्रोसिस की भी नहीं बात कर रहा हूं ठीक है अभी तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि वाकई हमें पता ही नहीं है इस बारे में इतनी मुझे इसी चीज़ ने तो इंटरेस्ट किया इसके अंदर मेरे साथ एक छोटा सा ट्रोमेटिक इवेंट हुआ फॉर एग्जांपल मेरी किसी के साथ सॉर्ट ऑफ लड़ाई और वो बड़ा मैं बड़ा उस तरह का इंसान हूं कि मैं बहुत ज़्यादा चीख और चिखाड़ और जो लोग आपके से बाहर हो जाते हैं ना मुझे वो बड़ा हैवी होता है मेरे ऊपर तो यार एक इंसिडेंट ऐसा हुआ तो इंट्रोड्यूस मेरे भाई ने किया मुझे इसको। उसने कहा यार एक टेक्निक लगाता हूँ ना तो तंग कर रही है ना वो चीज़ जैसे रोड रेज का कोई बात हो जाए तो आपका सारा दिन जो है ना आपको वो होता है कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा राइट ये डिस्टर्ब उसके बाद एक छोटी सी टेक्निक लगती है और बिल्कुल सुकून में आया राइट लोग डिफरेंट होते हैं रोड रेज का एक एक्सीडेंट हुआ लोग दस दिन भी सोच सकते हैं उस बार मुझे किसी ने एक बात बोल दी मैं मेरे उसके अल्फाज छत्तीस सौ दफा दिन में घूम रहे हैं सुबह से रात तक उसकी हिम्मत कैसे हुई ये छोटे लेवल पे बता रहा हूं सर ड्रीम फोबिया टेक्निक आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते डिस्क्लोज हो नहीं सकती ये एक्सपीरियंस की जाती है फॉर एग्जाम्पल स्विश मेथड है एंकरिंग है टाइम लाइन थेरेपी है कोई भी जाके इसको गूगल पे यूट्यूब पे थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकता है लेकिन ऑब्वियसली उस टेक्निक को प्रॉपर किस तरह आपने किसी क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करना है ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग है ये हर बंदा नहीं अभी कोई कर सकता चलो चलो आओ एन एल पी एनएलपी खेल अगर अभी कोई ये देख रहा है मिसाल के हाँ। तौर पर और वो रीच आउट करता है आपको तो क्या प्रोसीजर है उसको आप सेशंस के लिए बुलाते हैं अपने पास या क्या कहते हैं मत तरीके कार क्या है बेसिकली अगर कोई ये सर्विसेज यूज़ करना चाह रहा है देखना चाह रहा है तो उसका प्रोसीजर वगैरह क्या है सर उसका प्रोसीजर ये है कि सिंपली वो हमें कॉन्टैक्ट करेंगे हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर या मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम के ऊपर जो नंबर है उसमें दिया हुआ है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं या इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट इट इज़ एट जी द माइंड कोच जेड डब्ली एम आई एन डी कोच उसके ऊपर मैसेज करें हम उनके साथ एक पहले रखते हैं डिस्कवरी सेशन कि हमें पता चले कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है क्या है कितना डीप रूटेड है सरफेस लेवल है छोटा है बड़ा है ठीक है उसमें एक आइडिया होता है फिर हम सजेस्ट करते हैं किसी को चार सेशंस की जरूरत होती है और किसी को अस्सी सेशंस भी लग सकते हैं इट टू वेरीज किसी का अगर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है ऑब्वियसली उसको टाइम लगता है अस्सी सेशंस तो नहीं मतलब सिक्स टू एट मंथ्स भी बाज दफ़ा लग जाते हैं और वाजवा होता है कि अच्छा यार दो दो दिन के गैप से चार सेशन इज हाउ इज दिस डिफरेंट दिसम जो टिपिकल एक थेरेपी होती है जो थेरेपी मैं अभी अगर फ़ोन पर आपको सुना सकूँ मैं आपको एक चीज़ है मैंने अभी एक सेशन किया था अगस्ट के स्टार्ट में तो दिफ्टी एट ईयर ओल्ड मैन हु हैड लॉस्ट अ लॉट इन लाइफ नॉट वर्किंग फॉर अ वेरी उनके अपने ट्रामाज थे ढाई साल से एक हॉस्पिटल के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे थे ढाई साल से और उनकी बेटी भी साइकोलॉजिस्ट अच्छा ये भी वैसे इंटरेस्टिंग है कि ट्रामेटिक चाइल्डहुड उस बच्ची ने उसको ड्राइव किया साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करने हाँ। के लिए लेकिन फ़नी बात यह है कि उनके वालिद साहब के कमेंट है मेरे पास पूरा पाँच मिनट का उनका फीडबैक है वो कहते हैं ढाई साल में मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना इन दो दिनों में अच्छा वैसे भाई ये सारी से कह रहे हैं। लेकिन, God, सुनते वे न, एक दफावे डिफरेंट है एन एल पी का बिल्कुल पार्ट है बट ये तो मैं बिल्कुल हिप्नोथेरेपी की बात ही कर रहा मैं टाइम लाइन थे आप

हाँ के आ, एक नॉन इन्वेसिव नॉन मेडिकेटेड तरीका है जिसके सक्सेस रेट्स विद टाइम ज़्यादा से ज़्यादा प्रूव हो रहा है इनोशन भी और एक चीज़ अगर एटीज़ में इंट्रोड्यूस हुई है तो वो फेयरली न्यू है दुनिया के टाइम लाइन के मुताबिक तो पलक झपकना भी नहीं है इस वक्त सर देखिए कुछ ना हाँ। फार्मासूटिकल इंडस्ट्री का ताल्लुक भी है मैंटल हेल्थ खराब करने से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है थोड़ा नहीं बहुत हेल्थ ख़राब होगी सोशल मीडिया भी लिंक है उससे और फार्मा भी लिंक है मैं थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ मैं लेकिन ये ट्रू है वॉर होगी तो असलाह बिकेगा ऐसी है बीमारी आएगी लोग बीमार होंगे तो दवाई बिकेगी एन का फार्मास्यूटिकल से कोई ताल्लुक नहीं हम आपको दवाई दे ही नहीं रहे सर हम आपसे ही आपके लिए आपका सलूशन निकलवाएंगे आप ही अपने दिमाग में जाके बताएंगे हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे होंगे कर भी आप खुद ही रहे होंगे ये जो एन एल पी है या कोई भी हम कहते हैं कि एन एल पी से हट के भी हम बात करें हमने काउंसलिंग की बात की ओवरऑल मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट ज़ीरो टू सेवन क्या होता है सब कुछ बात की एज अ पैकेज आपने ट्राई किया है कि स्कूल्स में इंट्रोड्यूस हो कि फॉर एग्जांपल uh, हमने ये डिटर्मन कर लिया कि ये हो नहीं सकता कि ज़ीरो टू सेवन में आपका सा ट्रामा ना हुआ हो क्योंकि रियलिस्टिकली अगर हम शब सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो छोटी चीज़ बड़ी चीज़ हर चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है आपने कोई इस तरह का प्रोग्राम डिज़ाइन अभी किया है कि आप स्कूल्स को एज ए पैकेज बेच सकें जो उनकी जिस तरह एक स्कूल में स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता है एक को फिर डिबेट्स प्रोग्राम होता है तो एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्यों नहीं हो सकता कि एक्टिवली आप स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ कोचिंग चाहे वो एनएलपी के तरीके हों हिप्नोसिस के तरीके हों कुछ भी हो उस पर उनको ट्रेन करें। एजर uh, स्कूल तो like, उनको तो होता है उन्होंने तो पूरा कोर्स रखा है तो वो है कि भाईप्रनोरशिप की साइड भी सिखाओ मेंटल हेल्थ होती है वो इस्लामिक कोर्सेज रखते हैं यूसुफ की तफसीर चल रही है जी जितना यूसुफ की तफसीर सीखनी है जाए राइट सो दे आर इन टू दैट देखिए बाकी वो कहते हैं सब्जेक्ट्स इतने हैं। बच्चे के पास टाइम ही नहीं है छोड़ें यहाँ पे एक जो इनहेरेंट इनहेरेंट प्रॉब्लम नज़र आती है जैसा मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे एग्जाम गिविंग नहीं थी अगर ये प्रॉब्लम लेट से एज ऑफ फोर्टीन आइडेंटिफाई हो जाती करेक्ट हो जाती तो हो सकता है कि मैं आज को बहुत अला अफसर होता यहाँ पे हैगर के साथ बैठे ये स्टडी भी पॉडकास्ट ना कर रहा होता <laughs> नहीं पर एक जेन चीज है लाइक मेरे पास कोई तरीका नहीं, 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 नहीं था बताने सर, का या, या समझने का कितना सफर करते हैं फियर्स की वजह से एक फियर की फॉर्म है जो कि बिल्कुल उसके हक में नहीं होता सब देखिए पांच नेगेटिव इमोशन फियर गिल्ट एंगर सबसे पहले निकलता ये नहीं निकालेंगे बाकी निकल नहीं सकते है बाकी नेगेटिव का एंगर। आपके डीप डाउन के गुस्सा छुपा होता।, होता है जो आप रिएक्ट कर रहे होते हैं सर्टन वे और बाज दफा कोई चीज कनेक्ट नहीं कर पा रही होती और पता ही चलता वो, हो, वो वहां से पहली दफा बच्चे ने आमतौर पे पता जेलस फील किया होता है जब दूसरा बहन भाई कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो वहां फंसा हुआ था पेरेंट नजर आ पेरेंट्स पेरेंट्स के खिलाफ रिफ्ट पैदा हो जाती है दो। कर जाते हैं ना चाहते हुए नॉट इन अ बैड सेंस मतलब छोटे भाई को कहा जाता है यार बड़े भाई को देखो राइट मुझे बहुत कहा गया अपनी बड़ी बहन को देखो जब मैं ओ लेवल्स कर रहा था देखो उसके आ गए हैं वो फुल स्कॉलरशिप है उसकी केमिस्ट्री में डिस्टिंगशन आ गई है और तुम ओ लेवल में लफंट्रिया करो राइट काफी रिलेट कर कर देखो <laughs> तो बात ये ये यार हुआ तो क्या होगा? और फियर करता है एनर्जी सक कर है। आपको। आपकी लेता सारे करने के बजाय डिसम्पावर करते हैं ठीक हो गया और आपको एनर्जी देने के बजाय आपकी एनर्जी सक आउट कर लेते हैं तो होना क्या है आपसे अच्छा भाई यहाँ पे डेविल्स एडवोकेट मैं प्ले करना चाहूंगा टफ़ लव का जो कॉन्सेप्ट है कि रगड़ा दो और उस रगड़े में से इवेंचुअली लाइक कंप्रेस कर करके कोल भी डायमंड बन जाता है तो जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है लोगों को शाइन कराने का जो करंट सिस्टम में एग्जिस्ट करता है कि रगड़ी जाओ दबाई जाओ और अगर आप लाख दबाओगे तो उनमें से जो दस या सौ या हज़ार निकलेंगे वो आउटस्टैंडिंग होंगे और फिर वो दो हजार जो है नन्नानवे हजार जो पागल आपने साथ पैदा किए उनको संभालते रहेंगे <laughs> ये तो कोई फलसफा नहीं है पाकिस्तान का स्यापा ही है आपने 22 करोड़ में से कितने करोड़ कमाल के लोग पैदा किए जरा प्लीज बता दें 10 लाख होंगे टोटल मेरे ख्याल से सर ये तो कोई मैट्रिक नहीं है ना एक्चुअली ये सिर्फ एक एक मेट्रिक के ऊपर ठीक है चीज ओवरऑल ह्यूमन बीन सर रोड रेज देखें फ्रस्ट्रेशन देखें लोगों की गालम गलोच देखें ये हम सड़क के ऊपर गाड़ी चलाने का तरीका देखें किसी को रास्ता देने का तरीका देखें पत्थर उठा के साइड पे कौन करता है? कोई भी नहीं करता ट्रैफिक जैम अस, हो तो सिर्फ जाएगे। मैं या मैं क्योंकि या एक प्राडो चला रहा है लेकिन मेरे में ह्यूमिलिटी नाम की चीज नहीं है तो ये सिर्फ एक मैट्रिक है मेरे सक्सेस का कि मेरे पास प्राडो है दूसरा मैट्रिक मेरे, मेरे फेलियर का ही है कि मेरे में टके की ह्यूमिलिटी नहीं है और मेरे में ईगो से भरा हुआ इंसान हूँ मैं तो वो जो दबाना होता है ना उसका रिएक्शन में निकलता है बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं बा केसेस में यकीन माने वाले दुनिया से जाते नहीं है बच्चे कहते हैं शुक्र है हूं असी अपनी मर्जी कर सकते तो ये बड़ा बैलेंस है और उसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं कॉमेंट करना चाहता क्योंकि पेरेंटिंग एक पूरा सब्जेक्ट है और उसके ऊपर बेतहाशा मटीरियल मौजूद है।, है और उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्चेज पच्चीस पच्चीस साल की मौजूद है और हवा में नहीं है हार्वर्ड की है मतलब और स्टैंडफर्ड की रिसर्चे मौजूद हैं वो जाके हर कोई पढ़ सकता है सर रसुल्ला क्या कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सात साल तक क्या करो गले से लगा के रखो गले से लगा के रखो सात से चौदह सख्ती करो सख्ती भी ये नहीं है कोटी जाओ उन्हों जाओ तू है ही फलाना वो तेरे तो तेरे नहीं होना उसके बेसिक फ्रीडम को ही ले लो राइट और चौदह के बाद फ़ौरन पता है हुक्म क्या है दोस्त बन जाओ अब आप खुद बताएं पाकिस्तान में चौदह से बाई तक बाप दोस्त होता बाप हिटलर होता है बाप हिटलर होता है लगता है बच्चा इसी एज में खराब होगा तो पूरा नप के रखो ओ ये गलत है वो कह रहे हैं दोस्त बना लो सिर्फ दोस्त ना बनाओ घर के मामलात में फैसला उससे मशवरा लेके करो आप मुझे बताएं कुटने में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है खिंचने में ज़्यादा है या उससे उसको दोस्त बना के मशुरा देने में दोस्त बना के मशरा देने में ये विजडम तो हमेशा से मौजूद है हमने अप्लाई नहीं किया और ये मुख्तलिफ स्टडीज़ भी प्रूव करती हैं कि जब हैं। एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है उसकी जितनी अपने माँ बाप से बेहतर रिलेशनशिप होगी उतना लेस लाइकली स्मोक ड्रिंक ये सारी चीज़ें अंदर अंदर हैं। दफ्तर हैं। के अंदर हमने एक चीज़ देखी है कि लेट्स सेल्स एजेंट्स हैं अगर उनको हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करें ये प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं कैसे बेचेंगे ना तो सिर्फ उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है बल्कि उनका कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट बढ़ जाता है और सेल्स करना आसान हो जाता है उनके लिए सर रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है उनको फ़ील होता है कि यार मैंने ये मिल फ़ैसला किया तो अगर ये मैंने ना बेचा टाइमली तो उसका सिर्फ गिल्टीनेस फील होती है कि नहीं यार हमने एक मुश्तरक टीम फैसला किस सर ये पॉडकास्ट है ये हम पाँच छः सात लोगों के मिल के एक आइडिया है और उस पर हम मुख्त परमिटेशन में कराते तो हैं हर बंदा एक रिस्पॉसिबिलिटी फ़ील करता है कि यार इस पॉडकास्ट ने अच्छा क्यों नहीं किया इसने बुरा क्यों किया इसने बहुत अच्छा क्यों किया है और एक कंटिन्यूस ग्रोथ का प्रोसेस होता है उसके अंदर सर मेरे वाले साहब ने एक कमाल का काम किया हम जब इस एज में था ना बाकी दोस्तों तो, को अबू का फोन आता था घर आना कि नहीं आना अच्छा इसमें एक इनहेरेंट हंड्रेड परसेंट ट्रस्ट था कहना हो तुम कुछ गलत नहीं कर रहे नंबर टू फ्रीडम था टू मेक आर ओर डिसीजन अच्छा जब हम डिसीजन लेते थे तो बड़ी कमाल मैंने चीज़ ऑब्जर्व की रिस्पांसिबिलिटी भी हम भी रहने देते थे बचाने बचोने भी, भी नहीं आते थे वो क्या करते थे टेक योर डिसीजन सी द कॉन्सिक्वेंसिस दैट विल मेक मेक यू बेटर विलीजन हाउ डू मेक बेटर डिसीजन बाई मेकिंग बैड फर्स्ट बैड चॉइस पहले बनती है बट चॉइस ही ना हो तो उस बंदे ने बैड या गुड़ तो लेनी ही नहीं ना पाकिस्तानी पेरेंट बच्चे को शादी तक मैं कहता हूँ किस चीज की चॉइस मेजोरिटी लेने देती है बहुत कम पेरेंट्स हैं जो बच्चे के हाथ में चॉइस देती है हालांकि साइकोलॉजी ये चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहती है कि मत बताओ हो जीरो से सेवन वाले को भी कि कौन से कपड़े पहनने हैं उसका जो दिल करता है उसको पहनने दो ना गलत पहनेगा मजाक उड़ेगा अजीब लग रहा होगा वो बच्चा खुद सीखेगा उस बच्चे की सेल्फ डिस्कवरी और राइट एंड रॉन्ग की जो सेंस है वो डेवलप तो होने थे आप क्या अच्छा था मेरे लिए क्या नहीं था अबू बताएंगे अम्मी बताएंगी अच्छा अब मैं बताता हूं इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है यह बच्चा ये लड़का जब बड़ा होता है ना तो ये मैन चाइल्ड होता शादी कर लेता है लेकिन बीवी का फैसला अब इससे नहीं लिया जाता बीवी के फैसले भी कौन लेगा माँ बाप लेंगे अम्मी बताएंगी ओ पाई उन्हों तू दस लें और इस चीज से कितनी औरतें सफर करती हैं मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की रिस्पांसिबिलिटी तो हंड्रेड परसेंट आप पे है ना भाई जान एक आपकी बीवी का फैसला आपकी अम्मी क्यों लेंगी आपकी मजे की बात है कि ये जो फिनम जिसकी आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से ये और ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है जब से मॉडर्न एजुकेशन जो है वो आई है क्योंकि आपने अब आप बच्चों की जो अडल्ट है उसको आप डिले करते गए करते गए करते गए पहले आपने कहा कि वो स्कूल पढ़ेगा स्कूल के बाद अब यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं तो बाय द टाइम वो बाईस तेईस साल का ग्रोन मर्द बाहर निकलता है वो वो भी भी वो 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 बच्चा बच्चा है। है, उसमें आपने मामाज बॉय बनाया मामाज बॉय शादी के लिए फिट ही नहीं प्रोटेक्ट क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है यू कॉन्ट बी ए गुड प्रोटेक्टर ऑल्सो जी अब आप आपका टू प्रोटेक्ट यूर अच्छा वो कहते हैं अच्छा हम प्रोटेक्शन को देखते हैं सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन नो यू हैव टू प्रोटेक्ट यूर वाइस हेल्थ टू योर किड्स मेंटल हेल्थ टू बाप का काम प्रोटेक्ट करना अगर है तो सिर्फ फिजिकली प्रोटेक्ट करना नहीं है कि चोरा है तो मैं मर जाऊंगा तुम्हारे लिए दैट्स वन पार्ट फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना नहीं है मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट करना भी तो है अगर आप अपनी बीवी की मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट नहीं कर रहे तो आप अपने बच्चों को भी नहीं कर रहे एट ऑल कॉस्ट मुझे अपनी बीवी की मेंटल हेल्थ का हंड्रेड परसेंट ख्याल रखना है क्योंकि जिस वक्त माँ की मेंटल हेल्थ खराब हुई मेरे बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी सर मैं वीक इंडिविजुअल्स पैदा करूंगा जब मेंटल हेल्थ खराब होती है तो आप क्या बन जाते हैं वीक क्या इस मुआरे को वीक मर्दों की जरूरत है बिल्कुल नहीं है सर नहीं वीक माओ की जरूरत है इस तो कम जिस पॉइंट पे खड़े हैं हमें स्ट्रांग 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 और और बाप निशान भाई ऑन द फाइनल नोट मैं आपसे पूछना चाहूँगा लुपिंग बैक टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द कॉन् हमारे जो मेजॉरिटी व्यूअर्स हैं वो ट्वेंटी टू मिड थर्टीज के ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो अलॉट ऑफ देम आर बिकमिंग पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम या उनके बच्चे जो हैं वो उस एज में हैं जहाँ वो ये फैसले ले रहे हैं उनकी एजुकेशन का और उनके के किस इंस्टीट्यूट्स में हो जाएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ तो इस तरह यंग पेरेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी कि बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन के अतबार से किस तरीके से उनको डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए अपने या क्या फैक्टर्स उन्हें इन माइंड रखना चाहिए आई थिंक स्कूल विल डू थर्टी परसेंट पार्ट नंबर वन एज यंग पेरेंट्स बिफोर इवन मेकिंग द डिसीजन रीड अबाउट व्हाट पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट एंड बिफोर इवन रीडिंग अबाउट पेरेंटिंग अ मदर शुड रीड वट अ मैन इज एंड अ मैन शुड रीड वट अ वूमन इज जब एक मियाँ को बीवी का ही नहीं पता और उनका अपना रिलेशनशिप हारमनी में नहीं है तो पेरेंटिंग तो सर आप भूल जाए पेरेंटिंग के लिए पहले माँ बाप के रिलेशनशिप की हार्मनी जरूरी है एंड आई एम यूजिंग द वर्ड हार्मनी देयर इन सिंक दे शेयर द सेम बिलीव द सेम वैल्यूज द सेम गोल्स फॉर द किड वरना एक क्लैश आपका बच्चे बच्चा तो सबसे इंपॉर्टेंट आप बच्चे के बारे में सबसे ज्यादा पोजेसिव होते हैं ना और, और इस पर आप चैलेंज भी नहीं कर सकते कि माँ बच्चे को प्यार नहीं करती और बाप बच्चे को प्यार नहीं करता ये आपको दुनिया में कोई नहीं कहेगा दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार ये अपनी औलाद को करते हैं प्रॉब्लम है कि आपको नॉलेज ही नहीं है उस चीज का राइट hmm. right? तो नंबर वन नो वट अ मैन इज लाइक नो वट अ वुमन इज लाइक एंड हाउ डू यू कीप योर रिलेशनशिप विद हार्मनी देन ब्रिंग योर विजन्स एंड योर गोल्स अबाउट योर किड्स टुगेदर डिस्कस दैट फर्स्ट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन देन रीड अबाउट पेरेंटिंग के आर व्हाट्स द बेस्ट फॉर आर चाइल्ड नॉट कंपेरिजन बाकी ऐसे किया था डॉट इवन लिसन टू तो योर मॉम हमारे दौर में तो ये होता था हम तो यूं कर लेते थे आपके दौर के काफी खूबसूरत बच्चे में <laughs> काफी मजेदार काम कर रहे हैं प्लीज उसको भी एक्सेप्ट कर ले तो मैं थोड़ा पेरेंटिंग पे काफी सख्त हूँ राइट हम हमारे माँ बाप ही ना हमारे, अपने ट्रॉमास को जस्टिफाई करते हैं उनको पता ही नहीं है ये ट्रॉमा है और ये आपका ट्रॉमा रिस्पॉन्स है राइट लाइक माई फादर साइड ठीक है तुम्हारे दादा ने तो मुझे इतना मारा मैंने तुम्हें तो मारा ही नहीं मैंने दिल में जवाब दिया और फिर एक दफा उनको कह भी दिया कि अबू आपने दूसरा ट्रॉमा दिया उसको कहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट नाउ साइलेंट ट्रीटमेंट इज एज टॉक्सिक एज एनी अदर टॉक्सिक ट्रीटमेंट कि बेसिकली जब आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो आप अगले को जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हो वो आपसे बात करने की कुछ कर रहा है आपकी टेंशन चाह रहा है जो मर्जी चाह रहा है आप चुप हो अब वो किससे डील कर रहे थे अपने ट्रॉमा से और वो ये समझ रहे हैं कि मैं तो नहीं ट्रॉमा दे रहा मेरा बाप तो मारता था मैं तो मार तो नहीं रहा अब प्रॉब्लम कहां थी ही डिड नॉट हैव दैट नॉलेज कि दिस इज फॉर द अदर किड टॉक्सिक टू तो अंडरस्टैंड के बच्चों के लिए पेरेंटिंग में टॉक्सिसिटी क्या है उनकी डेवलपमेंट मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है डू नॉट जस्ट लिसन टू एनी बडी देखिये सर हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है मैं इस पर फाइनल नोट पर ही बात करूँ जब एक लड़की और लड़के की शादी हो जाती है मुझे बताएं वो दोनों कितना काम करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने में वो इस पर काम करते हैं कि पैसा कमाना वो इस पर काम करते हैं कि हमने घर खरीदना है वो इस पर काम करते हैं कि हमने बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है वो इस पर कोई काम नहीं करते कि उनको भी अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है कितने माँ बाप घर बैठ के वाकई कोई किताब पढ़ते हैं राती ड्रामा लगे हुआ है आज कल इंस्टाग्राम लगे हुआ है कि लॉन आ गई है तो हूँ के बैग आ गया है तो किने कि कपड़े पा के कितने वेकेशन की है इफ़ दैट्स योर फोकस आपको दस साल बाद रोने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने बीस साल में मेंटली एक माँ भी ग्रो नहीं की है माओ के लिए भी बहुत ज़रूरी है माँ का काम सिर्फ ये नहीं है कि आपने बच्चे को घर पर संभाल लिया माँ का काम अपने आप को भी इक्विप करना है और जो दौर जा रहा है सर कल को अगर आपके पास आपके बच्चों के सवालों के जवाब नहीं है ना और आपके बच्चे को पता चल जाता है कि इसके पास तो इतना नॉलेज नहीं है आपके बच्चे ने आपको आना ही बंद कर देना कि इनको पता है नहीं इनसे बात क्या करूँ आजकल कर यही प्रॉब्लम हो रहा है बहुत सारे लोग अपने वालदे से एक तो टेक का इतना गैप हो गया है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन कंजम्पशन का बहुत बड़ा गैप हो गया है कि उनको लगता है कि मैं अपने वाल वाले से क्या बात करूँगा इनफैक्ट उनके जो तजर्बे का उसको फ़ायदा मिल भी सकता है वो उठा नहीं पा रहे बिकॉज इवन जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करें कॉन्वर्सेशन में वो नो लॉन्गर कॉमन है तो ऑन एंडिंग नोट जिशान भाई ये कहते हैं कि अगर कोई अवे हो इस सारी कॉन्वर्सीेशन से कोई बंदा सुन रहा हो तो उसके लिए क्या अवे होना चाहिए कि सिंपली वो अपनी पर्टिकुलर जिंदगी में विद इमीजिएट इफेक्ट क्या चीज़ें चेंज कर सकता है

लोग वाकई जनरली बहुत टाइम निकाल के बहुत एफर्ट पुटन कर रहे हैं आपने बिजनेस भी शुरू करना है उसके बेसिक सीखने यूट्यूब पर है बुक नहीं पढ़ सकते ऑडियो बुक यूट्यूब पे बड़े बड़े नाम आपको पता है यार आप उनको सुन लें किसकी सास ने किसके साथ क्या सियासत की ये ड्रामे देखना प्लीज थोड़ी देर के लिए बंद कर दें आधा घंटा दे दें बच्चे के लिए क्या जरूरी है आधा घंटा दे दें स्क्रोलिंग से बेहतर है आप एक वॉक पर निकल जाए वाकई बेहतर है आप मियाँ बीवी है कमरे में फ़ोन पे उससे बेहतर है कि यार बात कर लो ठीक हो क्या ये है छोटे छोटे स्टेप्स के यार एटलीस्ट कंटेंट को थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें क्योंकि इंसान के अंदर जाने के दो तरीके हैं इंफॉर्मेशन आंखें और कान और दूसरा है मुंह खाते आपके हैं यही आपकी अंदर जाने के तरीके हैं अगर आप आंखों से गलत देख रहे हैं कानों से गलत सुन रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कुछ ठीक आ जाएगा इसके अंदर जब गलत आएगा तो फिर आपका बायर जो आउटकम निकलेगा वो भी गलत होगा और आपकी डेस्टिनी आपके टेकन डिसीजन और एक्शंस पर डिपेंडेंट तो कॉन्टेंट ठीक कंज्यूम करें नंबर वन अपनी सराउंडिंग बदलें क्योंकि एक नेगेटिव इंसान पॉजिटिविटी नहीं ला सकता यू आर द एवरेज ऑफ फाइव पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद कुछ लोग वाकई बड़े अच्छे होते हैं उनको बुरा सिर्फ उनकी संगत बना देती है और ये सिर्फ लड़कों के लिए ट्रू नहीं है ये लड़कियों के लिए औरतों के लिए मर्दों के लिए इक्वल बच्चों के लिए इक्वल आप जिस किस्म के लोगों में रहेंगे आप उसी किस्म के लोगों जैसे बन जाएंगे राइट right? आपका इस पर बस नहीं है इन्वायरमेंट कोई इंसान का मुझे अफेक्ट नहीं करती ये हो नहीं सकता लेकिन हाँ इन्वायरमेंट चूज़ करने की चॉइस अल्लाह ने कंप्लीटली आपको दिया और ये इसेंचली आपके पास है एक आप आधा घंटा किसी की बैठ के कर लें आप आधा घंटा बैठ के फ़लाने की शादी में क्या हुआ था वो डिस्कस कर लें आप दो घंटे बैठ के डांस देख लें ये आपकी चॉइस है या आप उसमें से आधा घंटा एटलीस्ट मैं नहीं कहता एक दिन में ख़त्म हो सकता है ये आधा घंटा आप कोई अच्छी चीज़ सुन लें राइट right. और right. ये ऐसी भी। चीज़ जो आपको कल से एक बेहतर इंसान बनाने में मदद कर ये भी मैंशन करना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें आसान नहीं हैं ये दोनों काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होती हैं कि आप अगर लेट्स एडिक्टिक्स तो वो नेटफ्लिक्स छोड़ना बड़ा मुश्किल हो सकता है अगर आप आपका आधा घंटा सिर्फ आधा घंटा बीस मिनट छोटे स्टेप्स 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 छोटे बेबी अगर यानी कि आपके और इर्द गिर्द आपके खास तौर पे लोग हैं अगर आप बैड कंपनी में हैं तो वो पुराने दोस्तों को छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है बट आई थिंक वो मैं, आप करते ये भी सजेस्ट करता स्ट्रैल पुरानों को छोड़ दें मैं सिर्फ ये सजेस्ट करता हूँ कि पुरानों को पाँच घंटे दे दें साढ़े चार घंटे दें आधा घंटा किसी ऐसे इंसान के पास बैठ जाए थोड़ा सा आपको विजडम दे कोई ऐसी चीज़ पे लगा लें जो थोड़ा सा आपको बता दें फिर उसमें मोमेंटम बिल्ड होता है आधे घंटे से वो चालीस पे जाता है वो चार घंटे तीस से चार मिनट घंटे बीस पे होता है फिर वो कम होता जाएगा स्लोली वो बढ़ता जाएगा और जब आपको अच्छी चीज़ का फायदा नजर आना शुरू होगा रियलिटी में अपनी लाइफ में दैट इज़ जब आप में वो मोटिवेशन पैदा होगी कि या नहीं ये काम मैंने अब ज़्यादा करना है क्योंकि इंसान इसेंशली सेल्फिश है वो अपने लिए कर रहा होता है जो कर रहा होता राइट right? अगर हम आज भी बात करें कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अपना कोई मोटिव नहीं है राइट चाहे यही हो कि हम जन्नत में जाएंगे या आप कोई देख काम कर रहे हैं जो भी है अल्टीमेट जन्नत भी अगर मोटिव है तो है तो सेल्फिश मोटिव ही कि भाई मुझे तो नहीं सड़ना तो बेटा मैं अच्छा इंसान सारा जिंदगी इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे जन्म में नहीं सड़ना तो हम इतने सेल्फलेस नहीं हैं तो जब इंसान को फ़ायदा नजर आएगा आई थिंक वो उसमें खुद ही ये वैसे अच्छा मोटिव है, है। सबको यही मोटिव रखना चाहिए कि हमने जहन्नम नहीं जाना <laughs> और जिंदगी उसके मुताबिक ऑपरेट करे तो माशरा बड़ा बेहतर हो जाए पावरफुल मोटिवेटर है तो ऑन दैट नोट जशान भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बहुत अच्छा बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा पता भी नहीं चला और दो घंटे हो गए इट फील्स लाइक हमने कोई आधा घंटा ही बात की है आई थिंक जब टॉपिक थोड़ा हमारी नॉलेज की सफ़ेर से बाहर हो तो सुनने में काफ़ी मजा आता है और उम्मीद है कि हम इन को दोबारा बुलाएंगे तो कुछ मज़ीद और इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे थैंक यू सो मच फिर आप अगली था। बार वो एन पी एल जो है वो सद पर ट्राई कर सकते थैंक यू थैंक यू सो मच प्लेजर